हेलो एवरीबडी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग लेट ओपी नहीं है यार थोड़ा सा एक मिनट लेट केवल है चलो दो मिनट ठीक है गुड मॉर्निंग एवरी वन एम आई ऑडिबल जल्दी से बता दो आई आल स्टार्ट द क्लास कहीं ऐसा ना हो मेरी आवाज़ ही ना आ रही हो पोपट हो जाए मी नो इन द बॉक्स आई एम ऑडिबल विजिबल ऑल क्लियर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल राइट बोल लो तुम लोग लेट ओपी भी बोल लो ठीक है चलो ओके ऑल राइट कैमरा टेढ़ा है और मैं उसको एक्चुअली सीधा करवा भी नहीं रही हूँ वरना फालतू में लेट हो जाएगा एज यू ऑल नो हमारी लास्ट लाइव क्लासेस का क्या स्केड्यूल रहा है कैसे रहा है सब कुछ यू ऑल नो ना तो अभी इससे छेड़कानी नहीं करनी है कैमरे से जैसा है कोई बात नहीं थोड़ा सा टेढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सो मैनी गुड मॉर्निंग ऑल राइट तो कैसी चल रही है प्रिपरेशन कह दो मैम बस जैसे आप हंस रहे हो वैसी हंसते हंसते ही चल रही है ऑलमोस्ट है ना सो आई होप सो एवरीथिंग इज क्लियर ठीक है ओके ऑडिबल एंड विजिबल जय श्री राम जय श्री राम ठीक है सो बेसिकली बेसिकली आई आई एम स्माइलिंग बिकॉज नो कि कुछ बच्चों का क्या हाल है केमिस्ट्री में। मुझे कल मैसेजेस आए हैं तो आई एम लाइक कि ओके okay, काफी ज्यादा अच्छी पढ़ाई चल रही है केमिस्ट्री की काफी ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन है आई गेस है ना चलो ऑल राइट वॉइस नहीं आ रही आई गेस वॉइस वॉइस तो सब क्लियर है भाई चलो सो बेसिकली आज स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपको स्केड्यूल पता चल गया होगा मैं जल्दी से एक क्विक रिव्यू आपको बता देती हूँ ठीक है कि कैसे क्या होने वाला है हमारे क्लासेस में सो so दैट आपको अगर कोई कंफ्यूजन रहेगी उससे तो रिलेटेड तो वो क्लियर हो जाएगी सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स दैट इज फ्रॉम ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ फेबररी से आपकी केमिस्ट्री की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी टेंशन लेनी नहीं है आपको क्योंकि पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा येस yes, यहीं पर लाइव क्लासेज में मैं पूरा आपको कोर्स कराऊंगी केमिस्ट्री का अलॉन्ग विद दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगी न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगी पी भी कराऊंगी सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट टू ठीक है साथ ही साथ क्योंकि आप लोग की डिमांड्स थी कि मैम जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें भी कन्फ्यूजन आ रही है तो अलॉन्ग विद दैट हम चैप्टर वाइज भी कम्प्लीट कर लेंगे तो छः दिन में छः दिन भी नहीं एक्चुअली कल का दिन तो नहीं हुआ तो पाँच दिन में आपकी पूरी की आपका पूरा कोर्स कम्प्लीट कराना है एंड इसके लिए आपको पता है कितना हार्डवर्क की जरूरत होगी ऑफकोर्स हार्डवर्क के साथ साथ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तो है ही साथ में बट कोऑर्डिनेशन की भी ज़रूरत होगी क्योंकि अगर हम और आप कोऑर्डिनेट करते हुए चलेंगे तो पाँच दिन बहुत है यार आराम से हो जाएगा है ना अच्छा आज से क्लासेस स्टार्ट होंगी दो क्लास आपकी रेगुलरली होगी टू क्लासेस पर डे जो ओवरऑल अगर मैं काउंट करूं तो थ्री एंड हाफ आवर्स या फोर आवर्स के आसपास की बैठेंगी क्लासेस ठीक है पहली क्लास की टाइमिंग आपकी यही रहेगी एवरी डे इलेवन फिफ्टीन टू वन पी और वन फिफ्टीन जितना हो जाए वन थर्टी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और शाम की इवनिंग वाली क्लास रहेगी आपकी सिक्स टू सेवन थर्टी ठीक है सो so, yes. so, ये आपकी टाइमिंग्स रहेंगी एक मॉर्निंग वाली और एक इवनिंग वाली दोनों में मिलके कंप्लीट कर लेंगे कोर्स को कोई दिक्कत नहीं है ट्वेंटी फर्स्ट से लेकर ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ फेब तक फिर ट्वेंटी सिक्स का आपका रिजल्ट आपका एग्जाम होगा और मुझे ज़रूर से बताना ज़रूर कैसा गया एग्ज़ाम ठीक है मुझे ज़रूर से पता होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम कैसे जा रहा है कहीं पे भी आप इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो जो व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है वो व्हाट्सअप पे कर सकते हैं बट बताना ज़रूर एग्जाम हुआ कैसे ठीक है चलो सो so बेसिकली uh, आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ मैं टाइमिंग्स विल रिमेन सेम थ्रू आउट दीज फाइव डेज ठीक है कम्प्लीट फाइव डेज टाइमिंग सेम रहेगी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई दी है कैसे हम क्या करने वाले हैं लेट्स गेट स्टार्टेड तो आज वाला जो हमारा भाई स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी मॉर्निंग वाली क्लास में हमें कंप्लीट करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड इवनिंग वाली क्लास में हमें कंप्लीट करना है डी एंड एफ ब्लॉक दोनों के दोनों कंप्लीट करने यानी कि आज वाले स्कड्यूल में हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और डी एंड एफ ब्लॉक मतलब पूरी इनऑर्गेनिक हमें आज कंप्लीट करनी है राइट अब देखो बहुत लोगों को लगता है कि मैम थ्योरी थ्योरी पढ़ा दो बहुत को लगता है मैम क्वेश्चन क्वेश्चन करा दो दोनों में से किसी एक पे फोकस नहीं करना है दोनों पे फोकस करना ठीक है इनऑर्गेनिक में दोनों पे फोकस करना और टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन कराऊंगी ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ठीक है बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे यार इतने बेसिक से पढ़ाएंगे एकदम सिक्स सेवेंथ में ले जाएंगे तुम लोगों को कोई टेंशन वाली बात नहीं है और बताओ अरे राधिका क्यों पास नहीं होगी यार यहां मैं तुम लोग इतने अच्छे नंबर के लिए सोच रहे हो तुम लोग पास के लिए सोच रहे हो ओके आई मीन्स ओके ओके कोई टेंशन नहीं है सारी चीज़ें कर देंगे ठीक है हैप्पी बर्थडे अमृतांश ओके ऑल राइट सो लेट्स गेट स्टार्टेड आई गेस हाउस द जोश जोश वोश आइए तुम लोगों का जल्दी से चैट बॉक्स में थम्स अप भेज दो भाई अगर जोश आई है तो आई वॉन्ट अप जल्दी जल्दी खूब सारे थम्स अप भेजो तब भाई स्टार्ट करते हैं सेशन को लाइक बिल्कुल कर देना जल्दी जल्दी स्केड्यूल बेटा अपलोडेड है आपको वीडियो में मिल जाएगा वीडियोज़ में जाइएगा आप इसी में प्ले लिस्ट में वीडियोज़ में आपको स्केड्यूल मिल जाएगा लास्ट वीडियो आई गेस वही अपलोडेड है ठीक है क्या बात है आ गया अप ग्रेट ओके कितने इंटेलिजेंट बच्चे हमारे थम्स अप मांगो तो हार्ट्स भेजते हैं वेरी गुड ओके ऑल राइट चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इंट्रोडक्शन की बात करते हैं ध्यान समझना अगर कभी लगे मैम की स्पीड थोड़ी फास्ट हो गई है तो बता देना अफकोर्स ठीक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नाम से समझते हैं कोऑर्डिनेशन ओके okay, और कंपाउंड्स वाओ मैम कितना अच्छा समझाया आपने एक्चुअली कोऑर्डिनेशन का मीनिंग होता है यहाँ पे जैसे आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ते हुए आए हो क्लास टेंथ में आपने कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ी है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ी है बट एक बॉन्डिंग थोड़ी सी एक्सप्लेन की गई थी वो थी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था पूरा अच्छे से उसमें बहुत ज्यादा नहीं बताया था कुछ कुछ एग्जांपल्स के साथ पढ़ा था जैसे आप क्लास टेंथ में हाइड्रोनियम आयन पढ़ते हो अमोनियम आयन पढ़ते हो ये सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे होते हैं ये किस टाइप का बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रोवेलेंट जिसमें ट्रांसफर होता है लेकिन कॉर्डिनेट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें एक पर्टिकुलर एटम अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है दूसरे को मतलब सामने वाला एकदम बैठा है उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको दो पूरे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है है ठीक तो एक जो होता है 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 वो एकदम बहादुरी दिखाता है। कहता है यार एक तो छोड़ो मैं तुम्हें तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन देने को तैयार हूं क्योंकि उसके पास वो लोन पेयर होते हैं लोन पेयर मतलब जो ऑलरेडी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे ठीक है तो जो एक पेयर ऑफ एक एटम होगा वो अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है दूसरे को

है। ऐसे टाइप के बोलते थे? Actually, कुछ टाइप के होते हैं अब कंपाउंड्स जो है वो आप देख के बता सकते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है एक्चुअली wow, थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं मतलब ये कंपाउंड्स एनए जैसे नहीं दिखते कैल्शियम ऑक्साइड जैसे नहीं दिखते मैग्नीशियम uh, क्लोराइड जैसे नहीं दिखते ये अपने में ही कॉम्प्लेक्स दिखते हैं मतलब इनमें कुछ एक एटम होगा जो सेंट्रल मेटल एटम होगा फिर लिगेंड मतलब बहुत सारे एटम्स आपको दिखेंगे जैसे एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर मैं लिख दूँ वेरी फेमस के फोर एफ ई सी एन सिक्स अब देखो ये एन जैसा नहीं दिख रहा इसमें एक दो तीन चार बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो ऐसे कंपाउंड्स को आप बोलते हो कॉर्डिनेशन कंपाउंड ठीक है वॉइस इज क्लियर ना ठीक है चलो ऑल राइट तो ऐसे कंपाउंड्स को आप बोलते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स देखो चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है जब आप इसका नॉमन क्लेचर वी बी ये सब कुछ पढ़ने बैठोगे ना तो टाइम टेकिंग है ये ठीक है तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करो आराम से हो जाएगा इजीली और ज़्यादा पैनिक नहीं हो ये क्या तुम लोग चैट बॉक्स में नेगेटिविटी वाले वो मैम डर लग रहा है मैम नहीं हो रहा है हाँ कोई जंग वंग लड़ने नहीं जा रहे हो ठीक है मतलब जंग के बराबर है इस टाइम पे तुम लोगों के लिए बट इट्स ओके इतना पैनिक नहीं होना है ठीक है चलो तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं हमारे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं आप देख के बता सकते हो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है दिखते हुए ठीक है 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 जिसमें एक होता है atom, होता मेटल एटम जो बाउंडेड न्यूट्रल या एनायन मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से आप इतना डिटेल में ना जानते हो डायरेक्टली आप समझो कॉर्डिनेशन कंपाउंड में दो तीन चीजें होती हैं जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यही वाला के फोर एफई सी एन सिक्स सपोज मैंने ये एक एग्जाम्पल ले लिया ये जो सीएन है ना इसको आप बोलते हो लिगेंड लिगेंड मतलब जो भी चीज स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर है दैट इज लिगेंड क्या होता है कैसे होता है सब समझाती हूँ ये जो बगल में इसके है लिगेंड के इसको आप बोलते हो सीएमए सी एम ए वॉट इज सीएम इट इज सेंट्रल मेटल एटम सेंट्रल मेटल एटम और यू कैन कॉल इट एज सेंट्रल मेटल आयन कुछ भी बोल सकते हो आप सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन ये जो बाहर लगा हुआ है इसको आप बोलते हो काउंटर आयन यू कॉल इट एज अ काउंटर आयन इसका एक और नाम होता है विच इज अ स्पेक्टेटर आयन स्पेक्टेटर आयन ध्यान समझना क्योंकि जो मैं आपको पढ़ाऊंगी उससे ज्यादा कुछ भी नहीं आने वाला है ठीक है जितना आपको बता रही हूं उतना ही है केवल ठीक है उतना ही आपको समझना है दैट्स इट ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर चीजें लिखी हुई बेटा इसको आप बोलते हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर व्हिच इज आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन एंटिटी ठीक है

लुइस बेस की तरह वर्क करता है ठीक है चलो मुझे जल्दी से बताओ लुइस बेस कैसे होते हैं लुइस बेसिस के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं या इलेक्ट्रॉन की कमी होती है जो सबसे पहले आंसर देगा मैं उसका नाम लिख दूंगी स्क्रीन पे लुइस एसिड्स होते हैं या लुइस बेसिड होते हैं जल्दी 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 ये जो अपने लिगेंड्स होते हैं लुइस बेसिस होते हैं तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं ए और बी ओके काजू कतली ओके ओके लुइस इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ज्यादा होते हैं सबसे पहले सबसे पहले कौन बता रहा है आई गेस सबसे पहले आंसर दिया है शोएब खान ने शोएब ओके okay. चलो भाई शोएब खान ने खान ने सबसे पहले आंसर दिया है एंड द राइट आंसर इज कि इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं एफिशियंसी होती है ठीक है हाँ हाँ कॉर्डिनेशन बॉन्ड बिटवीन ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ग्रेट 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 ठीक है तो बेसिकली इनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं मोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैम तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है एक्चुअली फर्क पड़ता है क्योंकि ये जो सेंट्रल मेटल आइटम है ना दिस सी ए सेंट्रल मेटल आइटम के हो ये होता है लुएस एसिड मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की होती है डेफिशियंसी एक के पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है एक के पास इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी आप समझ गए होंगे क्या होता है ये जिसके पास एफिशिएंसी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो अपना लिगेंड है क्योंकि वो अच्छा आपको मैं बता दूं ये फिलिंदा ब्लैंक्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि लुइस जो अपने

ये सारी चीजें अभी नोट्स में भी लिखी है इट इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इट इज इलेक्ट्रॉन डोनर करेक्ट करेक्ट यू कैन से दैट ठीक है तो ये हो गया भाई इनके बीच का क्या बॉन्डिंग है क्या हो रहा है अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कैसे निकालता है भी सब कुछ बता देंगे आगे बढ़ते हैं मूविंग फॉरवर्ड बेसिकली जो लिगेंड है ये न्यूट्रल भी हो सकता है कोई भी हो सकता है इन है इनमें से ठीक अच्छा coordination compound होता क्या एक definition सुन लो जल्दी definition आपके में नहीं आती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं उनको आप डिफाइन करते हो अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड इन विच दी सेंट्रल मेटल एटम और मेटल आयन इज लिंक्ड टू नंबर ऑफ आय और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स देखो अभी अभी ना थोड़ा एकदम पेशेंस के साथ पढ़ो ये जो जितनी भी थियोरिटिकल चीजें हैं सब समझो पहले वी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की ट्रिक्स बता दूंगी सी की ट्रिक्स बता दूंगी नॉमन क्लेचर की ट्रिक्स बता दूंगी जो बताऊंगी उससे एक परसेंट ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है मैं एकदम श्योरिटी के साथ आपको बता रही हूँ बस ध्यान से पढ़ लो यहाँ पे ठीक है चलो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी को रिटेन कर लेते हैं सॉलिड स्टेट में और सोल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी जैसी होती है वैसे ही ये बना लेते हैं चलो कुछ इस तरीके के दिखते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं भैया अपने और बड़े से एकदम भयानक से होते हैं ऑफकोर्स ठीक है अब हम क्यों पढ़ते हैं कॉर्डिनेशन कंपाउंड एक मिनट बस सुन लो क्यों पढ़ते हैं कॉर्डिनेशन कंपाउंड इनका ना वेरियस यूज है मतलब ऐसा नहीं है कि ये पढ़ के आप सिर्फ एक जगह कोई काम कर पाओगे बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल यूज़ भी है इसका जैसे जो क्लोरोफिल होता है वो एक कॉर्डिनेट कंपाउंड होता है मैग्नीशियम का इट फॉर्म्स अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होम हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है आयरन का तो बहुत ज्यादा इसके यूजेस होते हैं जैसे विटामिन बी ट्वेल्व कॉर्डिनेशन कंपाउंड होता है कोबाल्ट का इसके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारे काम होते हैं ऑल राइट ये थोड़ी सी थियरिटिकल चीजें हो गई नाउ वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्नर्स थ्योरी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड्स में आई हुए हैं मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ इस चैप्टर के जो बोर्ड में पूछे जाते हैं नंबर वन इज वर्नर्स थ्योरी वर्नर्स थ्योरी से क्वेश्चन आ सकता है ठीक है नंबर टू इज डायरेक्टली नॉमन क्लेचर ऑफकोर्स वन कन्फर्मेशन क्वेश्चन आता है नॉमन क्लेचर का नॉमन क्लेचर ठीक है आनंदर वन आइसोमेरिज्म वेरी इंपॉर्टेंट 110 परसेंट क्वेश्चन आया ऑलमोस्ट हर बार आया है आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन देखते ही आप बता दोगे अभी ट्रिक बता दूंगी देखते ही आप बता दोगे आइसोमेरिज्म कौन सा वाला है टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आप उसमें ठीक है फोर्थ आता है अब वी का क्वेश्चन बहुत बार आया है और वी का क्वेश्चन जो आता है ना वो एक मतलब लेंथी क्वेश्चन होता है मतलब अगर वी का क्वेश्चन आ गया तो आप मान के चलो तीन नंबर का क्वेश्चन आ सकता है अच्छा खासा क्वेश्चन ठीक है वीबी से देन आपका सी से भी आ सकता है सी से स्ट्रक्चर बेस्ड भी आते हैं क्वेश्चंस ये पांच टॉपिक्स ही इसके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के पांच सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और पांचों को अगर आप पढ़ने बैठोगे आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा आराम से पढ़ो समझ समझ के पढ़ो ठीक है क्लियर नोट्स प्रोवाइड कर देंगे श्योर बेटा माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना सारी पी आपको मिल जाएंगी डोंट वरी सारी पी डी एफ्स यू विल बी गेटिंग इन दैट पर्टिकुलर ऐप चलो भाई वर्नर्स थ्योरी क्या थी ये एल्फ्रेड वर्नर ऐसे साइंटिस्ट जिनको नोबल प्राइज मिला था क्योंकि ये एक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में कुछ बताया अभी तक तो बहुत छोटे छोटे कंपाउंड्स पढ़े जा रहे थे एन एस सी एल को एल बॉन्ड और छोटी छोटी चीजें बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक सक्सेसफुल थ्योरी दी थी वी कैन यूज द वर्ड सक्सेसफुल थ्योरी क्योंकि ये एकदम करेक्ट थी alfred werner proposed a theory called werner's coordination theory, for which he was awarded nobel prize in 1913. it was the first successful theory which explained the property of complexes. successful teori complex bare clear. all right. cameras are the But i don't think so. it's all fine, i guess. isn't it? ज़्यादा टेढ़ा लग रहा है क्या बार बार क्यों बोल रहे हो तुम लोग यार आई डोंट थिंक सो इतना ज़्यादा अलग है क्योंकि एक्चुअली टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर अगर थोड़ा सा भी फिर वो हिल गया तो और टाइम वेस्ट हो जाएगा इसीलिए मैं नहीं कर रही हूँ ठीक है रिस्क नहीं लेने का रे बाबा भाई फिर तुम लोग बोलोगे मैम आपकी लाइव क्लास में ऐसा क्यों होता है एक्चुअली मेरा नसीब ही खराब है मेरे हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कल एक वीडियो रिकॉर्ड किया तुम लोगों का उसमें स्टोरेज फुल हो गया तो वो सात मिनट का वीडियो पाँच मिनट का बन के अपने आप कट हो गया आगे से तो तुम लोग कल कह रहे हो कि मैम बताइए आप ही के साथ ऐसा क्यों होता है ऑफकोर्स आई एम ऑल्सो समवन जिसको इसका आंसर नहीं पता एल्फ्रेट वर्नर की जो थ्योरी थी वर्नर्स थ्योरी इंटरेस्टिंग थी समझना ध्यान से इनके थोरी के अकॉर्डिंग आप एक एग्जाम्पल ले लो जो एग्जाम्पल लिखा है उसी के बारे में आपको बता देती हूँ सीओ सी एल थ्री एन एच थ्री सी ओ सी एल थ्री सिक्स टाइम्स ऑफ एन एच थ्री बड़ा प्यारी सी थ्योरी है सुनना ध्यान से अगर मैंने इस कंपाउंड को ये कंपाउंड मैंने ले लिया इसको पास करा दिया सिल्वर के आ, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से सपोज एन थ्री ए जी प्लस के जिसमें आयन होंगे ए जी एन ओ थ्री हमने ले लिया ठीक है ए जी प्लस के उसमें आयन होने चाहिए ए जी एन ओ थ्री हो सकता है कोई भी सल्यूशन मैंने इससे पास करा दिया हुआ कुछ ऐसा कि ये पास होने के बाद ब्रेक हो गया ओके okay, मैम ये बात को आपने काफ़ी घसीट के बोला तो ऐसा क्या हो गया यहाँ पे एक्चुअली ये कुछ ऐसे ब्रेक हुआ यहाँ पे ए जी सी एल के प्रेसिपिटेट मिले थ्री टाइम्स ओके मैम और कुछ मिला हाँ बिल्कुल दूसरा कंपाउंड भी रह गया बचा हुआ उसके बारे में मैं लिख नहीं रही हूं सिंपल मेन जो है उसके बारे में समझो थ्री मोल्स ऑफ एजीसीएल मिल गया ठीक है कुछ नया तो मैम आपने बताया नहीं मेरे ख्याल से यहाँ पे एजी था ए जी टाइम्स ऑफ एजी एनओ थ्री आपने लिया हुआ था वो ब्रेक हो गया और ए जी एन ओ थ्री का एजी प्लस सी एल के साथ जाके एजीसीएल बना लिया कुछ नया नहीं है नया बताते हैं इन्होंने बोला ऐसा करो वापस से ये कंपाउंड लू सीओ सी एल थ्री डॉट फाइव एन एच थ्री ठीक है डिफरेंस क्या है सिक्स एनएच थ्री की जगह फाइव एन एच थ्री लिख दिया ठीक है मैम तो AgCl कितना बनेगा मैम AgCl ओके मैम 3 टाइम्स ऑफ Cl है ऑफ कोर्स AgCl मिलके 3 टाइम्स ऑफ AgCl बनाना चाहिए बट देखा गया ऐसा नहीं हुआ ये बना 2 टाइम्स ऑफ AgCl ओके फिर आगे उन्होंने बोला CoCl3 4NH3 और NH3 का एक मॉलिक्यूल हमने कम कर दिया अब क्या बना 1 टाइम ऑफ AgCl का प्रेसिपिटेट बना मतलब कि इसके प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं जबकि हम क्लोरीन को कम कर ही नहीं रहे हैं तो इन्होंने बोला यही होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इनकी दो वैलेंसी होती है एक होती है प्राइमरी वैलेंसी एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी आप चाहो तो कलर नोट कर लेना ये, ये येलो कलर का होता है ये पर्पल कलर का होता है ये ग्रीन कलर का होता है ठीक है तो इन्होंने बोला कि ये जो आपके कंपाउंडस है ना वॉइस वगैरह आ रही है ना हाँ तो ये जो कंपाउंड है ना इसमें देखो आपके ना यहाँ पे नंबर ऑफ जो मोल्स है वो कम होते जा रहे हैं पहले थ्री टाइम्स ऑफ एजीसीएल मिल रहा है फिर टू टाइम्स फिर वन टाइम जबकि आप क्लोरीन को कम ही नहीं कर रहे हो तो इन्होंने बोला दो वैलेंसी होती है भाई हर एक कंपाउंड की दो वैलेंसी होती है एक होती है प्राइमरी वैलेंसी एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी क्या मतलब इन वैलेंसीज का समझाती हूँ फिलहाल ये देख लो यहाँ पे यही सेम चीज़ लिखिए ठीक है जैसे जैसे मोल्स ऑफ एजीसीएल ऑप्टेन हो रहे कंपाउंड में पहले थ्री मिले फिर टू मोल्स मिले फिर वन मोल मिले है ना और किया हमने कुछ नहीं बस नंबर ऑफ अमोनिया का मॉलिक्यूल कम किया था तो हमको ये रेशियो ऑप्टेन हो रहा था बार बार फिर इन्होंने बोला कि पॉस्टुलेट्स मेरे अकॉर्डिंग भाई दो चीजें होती है केवल और केवल मेरे अकॉर्डिंग दो चीजें होती है अभी बताते बेटा आइसोमेरिज्म वगैरह सब बताती हूँ डोंट वरी इन्होंने बोला मेरे अकॉर्डिंग दो चीजें हैं एक होती है प्राइमरी वैलेंसी एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी मतलब मैम प्राइमरी मतलब मैम पहली वैलेंसी ऑफ कोर्स यस सेकेंडरी मतलब मैम दूसरी वैलेंसी बिल्कुल सही दोनों एकदम सही है प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी बट इनका मतलब क्या है इन्होंने बोला प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल वैलेंसी होती है मतलब ऐसी वैलेंसी जो आयंस में ब्रेक हो जाएगी और जो सेकेंडरी वैलेंसी है इट इज नॉन आयनाइजेबल वो कभी टूटती नहीं है फॉर एग्जाम्पल सिमिलर क्वेश्चन ले लो वापस से के फोर एफ ई सी एन सिक्स के फोर एफ ई सी एन सिक्स इसमें ना दो वैलेंसी है एक प्राइमरी वैलेंसी है और एक सेकेंडरी वैलेंसी है चलो समझते हैं कैसे आप इसको ब्रेक करो ये ब्रेक होगा फोर टाइम्स ऑफ के पॉजिटिव प्लस एफ ई सी एन सिक्स नेगेटिव ऑल राइट तो आपने देखा ये प्राइमरी वैलेंसी मतलब के फोर पोटाशियम ब्रेक हो गया एफी सी एन सिक्स से लेकिन 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 क्या एफ सी एन सिक्स ब्रेक हुआ है इज इट आयोनाइजल नो इट इज नॉन आयोनाइजेबल मतलब मैम मतलब बेटा एफीसीएन सिक्स के हमेशा एफी सी एन सिक्स की तरफ आया जाता है क्या बचपन से आप आयरन के बारे में आयरन साइनाइड पढ़ते हुए आ रहे हो

और ये है सेकेंडरी वैलेंसी ठीक है प्राइमरी वैलेंसी ये टूट जाएंगे ये ब्रेक हो जाएंगे के के पॉजिटिव और नेगेटिव में लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी ये ब्रेक नहीं होगा इज अस्थिंग क्लियर प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है यस करेक्ट 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 अब प्राइमरी वैलेंसी की एक ट्रिक बता देती हूँ प्राइमरी वैलेंसी जब भी आपको निकालना है आप ऑक्सीडेशन नंबर से निकालते हो सेकेंडरी वैलेंसी जब आप निकालते हो तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर से निकालते हो अभी ये दोनों कैसे निकाले जाते हैं अभी बता दूंगी ऑलरेडी आप इलेवेंथ में पढ़ के आए हो बट मैम इलेवेंथ रात गई बात गई कोई नहीं सो बेसिकली प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी अभी समझ में आया क्या होता है प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर वेरी गुड ओके वेरी गुड ऑल राइट आई गेस यहां तक की बात सबको क्लियर होगी ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट वर्नर्स थ्योरी यही थी बस भाई आगे बढ़ते हैं वर्नर्स थ्योरी के कुछ पॉस्टुलेट्स जो मैंने बताए वही लिखे हुए हैं ध्यान से सुनना मेटल्स जो होते हैं उनमें दो टाइप के लिंकेज होते हैं एक होता है प्राइमरी लिंकेज एक होता है सेकेंडरी लिंकेज इसकी वजह से दो टाइप की वैलेंसी हो जाती है एक होती है प्राइमरी वैलेंसी एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है और एनायन से सेटिस्फाई की जाती है मतलब आयनाइजेबल टूट जाएंगे आयंस सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल सेटिस्फाई की जाती है इन शॉर्ट अगर बोले तो प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर से पता चल जाता है और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर से पता चल जाता है तो ये हो गई हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी इज अथिंग क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज अथिंग क्लियर करेक्ट 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 समटाइम्स इट कैन बी आस्ट बेटा द पोस्टुलेट्स कैन बी आस्ट बट जनरली इतनी जल्दी नहीं आता ठीक है हटा दूं ऑल राइट ग्रेट वेरी गुड Ions, groups, जो सेकेंडरी लिंकेज से बॉन्ड होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेशियल अरेंजमेंट में होती है करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट कॉर्डिनेशन नंबर इट कुट भीक्वायर प्लेनर इट कुट बी टेट्राहैड्रल इट कुट भी ऑक्टाहाड्रल अलग अलग टाइप के कॉर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा वो बनाते हैं ठीक है इसके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं ऑल राइट right. डबल सॉल्ट वर्सेस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बहुत बार बोर्ड में ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई एक डिफरेंस बता दो डबल और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में ठीक है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एक डिफरेंस बता दो और नंबर ले लो ये होता क्या है देखो डबल सॉल्ट आप हमेशा से पढ़ते हुए आए हो जैसे आपने पोटेश आलम पढ़ा है आपने मोहर सॉल्ट पढ़ा है जिनमें डॉट डॉट लगे होते हैं ना टेंथ क्लास में आपने सोल्ट पढ़ा होगा तो डबल सॉल्ट ऐसे सॉल्ट होते हैं जैसे पोटेश आलम ले लो ठीक है ठीक है मैम तो अगर कोई डबल सॉल्ट होता है आप उसको एक्वस सोल्यूशन में ब्रेक करते हो तो पूरे आयंस में टूट जाता है ठीक है सपोज आपने पोटेश आलम ले लिया आपने ले लिया के टू एसओ फोर डॉट एल टू एसओ फोर होल थ्राइस डॉट ट्वेंटी फोर एच टू है ठीक है प्राइमरी वैलेंसी वो होती है अच्छा फिर से बता दे रही हूँ प्राइमरी वैलेंसी बेटा वो वैलेंसी होती है जो आयंस में ब्रेक हो जाएगी ठीक है जैसे आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो वही प्राइमरी वैलेंसी हो जाती है और सेकेंडरी uh, वैलेंसी वो वैलेंसी होती है जो आयनाइज नहीं होती है जिसको आप तोड़ने की कोशिश करोगे तब भी वो नहीं टूटेगी अभी यहां पर वापस से समझाने वाली हूँ डोंट वरी डबल सॉल्ट सॉरी डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या डिफरेंस है डबल सॉल्ट salt, ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिनको जब आप एक्व सोल्यूशन में लेके जाओगे वो पूरे आयंस में ब्रेक हो जाएंगे हम एग्जाम्पल से समझा दीजिए चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई सपोज आपने ले लिया पोटेशलम द फॉर्मूला फॉर पोटेशलम इज के टू एस ओ फोर डॉट ए एल टू एस ओ फोर होल्थ्राइस डॉट ट्वेंटी फोर एच टू ओ ठीक है सपोज मैंने आपसे बोल दिया कि आपने ये ये ले लिया एक पोटाश आपको इसको एक्व सोल्यूशन में ब्रेक करना है

एफ ई सी एन सिक्स एक्चुअली यू कैन टेक एनी ऑफ द एग्जाम्पल ठीक है कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो ब्रेक करा दो आपको सोल्यूशन में देखा गया ये ब्रेक हुआ वही सेम के पॉजिटिव में एफ ई सी एन सिक्स नेगेटिव में लेकिन 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 ये ब्रेक नहीं हो रहा है ना अनब्रेकेबल है ये इट इज नॉट ब्रेकेबल ब्रेक ही नहीं हो रहा मतलब ये कंप्लीटली आयनाइजबल नहीं है कंप्लीटली आयोनाइजेबल नहीं है तो इसको आपने बोला ये कॉम्प्लेक्स सोल्ट है और ऊपर वाला कंप्लीटली आयोनाइजेबल है तो आपने बोला वो है हमारा डबल सॉल्ट डबल सॉल्ट पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाएगा अपने आय में ब्रेक हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पूरी तरीके से आयस में ब्रेक नहीं होगा ठीक है येस यू हैव टू राइट दिस बेटर सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट डबल सॉल्ट कम्पलीटली आयोनाइजेबल होते हैं पूरी तरीके से आयंस निकल जाएंगे उनके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में पूरी तरीके से आयंस बाहर नहीं निकलते हैं सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट वर्सेज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जिसको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है मेक श्योर यू रिमेम्बर दैट एक और एक और डिफरेंस होता है जो डबल सॉल्ट होता है जनरली वो सॉलिड्स में पाए जाते हैं उनका सॉलिड स्टेट होता है जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं ये सॉलिड्स में भी पाए जाते हैं थोड़ा बहुत लिक्विड्स में भी देखे गए और बहुत रेयर गैसेस में भी देखे जाते हैं ठीक है तो ये इनके स्टेट के बेसिस पर डिफरेंस हो गया लेकिन मेन डिफरेंस आपको याद रखना है यही है डबल सॉल्ट पूरी तरीके से साइंस में टूटता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पूरी तरीके से आयंस में नहीं टूटता है क्लियर है ऑल राइट ऑल राइट क्या बात है इतने पढ़ाकू बच्चे हैं हमारे पास हमारे पास बच्चे बता रहे हैं मैम मैम इकोनॉमिक्स छोड़ के हम आपको पढ़ने आ रहे हैं क्या बात है और बताइए बेटा मतलब वहां भी डूब जाओ तुम कोई वो नहीं है है ना क्या बात है इतने इतने कहाँ से आते हैं ये लोग इतने तेजस्वी लोग ओके सो कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से आयंस में सेपरेट नहीं होते हैं ये मैंने आपको बता दिया है ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर काउंटर आयन कोऑर्डिनेशन नंबर लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम बता दिया अच्छा छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं आप चाहो तो अगर आप ऑफकोर्स आलसी हो तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना पूरी देख लेना मैम ने दिन रात मेहनत से बनाई थी ये पीडीएफ तो डेफिनेटली यू कैन गो थ्रू द पीडीएफ अदरवाइज अगर आप चाहो तो छोटे छोटे पॉइंट्स अपने आप नोट्स में लिखते जाओ दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन आई गेस ठीक है सेंट्रल मेटल आइटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनर होता है कोऑर्डिनेशन नंबर वो नंबर होता है मेटल आयन का एक कॉम्प्लेक्स में जिसको आप डिफाइन करते हो कि नंबर ऑफ लिगेंड जो डोनेट करेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड उसी को आप बोलते हो कॉर्डिनेशन नंबर कॉर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है वही कॉर्डिनेशन स्फेयर कॉर्डिनेशन एंटिटी में सेंट्रल मेटल आइटम होता है वही जो स्क्वायर uh, ब्राकेट होता है ठीक है यही होती है कॉर्डिनेशन स्फेयर या कॉर्डिनेशन एंटिटी जिसके अंदर सेंट्रल मेटल आइटम होता है और लिगेंड होता है ठीक है सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है सेंट्रल मेटल एटम यूजुअली एक लोएस्ट सब्सक्रिप्ट वाला एलिमेंट होता है मैम लोएस्ट सब्सक्रिप्ट मतलब के फोर एफ ई सी एन सिक्स के के पास सब्सक्रिप्ट वैल्यू में फोर लिखा था CN के पास six लिखा था लेकिन एफ ई जो था आयरन उसमें कुछ नहीं लिखा था मतलब वन है वो तो सबसे छोटी सब्सक्रिप्ट वैल्यू हमेशा सेंट्रल मेटल एटम की ही आपको मिलेगी ठीक है सेंट्रल एटम इज यूजुअली द एटम विद द लोएस्ट सब्सक्रिप्ट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द एटम दैट कैन फॉर्म मोस्ट बॉन्ड्स वैल्यू सबसे कम होगी बट बॉन्ड सबसे ज्यादा बनाएगा ठीक है फॉर्म सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स एट लीस्ट लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होगा उसी को आप सेंट्रल मेटल आइटम मान लेते हो ठीक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल आइटम एक लुइस एसिड की तरह बिहेव करता है मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन

औरतो सफिक्स को आप प्रोवाइड करते हो एनाइनिक लिगेंड में सॉरी ऑर्थो तो बोल दिया ओ सफिक्स को आप लिखते हो एनाइनिक लिगेंड मतलब अगर लिगेंड एनाइनिक है अभी नोट कर लो बताऊंगी जब आपको नेमिंग करवाऊंगी अगर जो लिगेंड है वो नेगेटिव स्फेयर में आ रहा है मतलब एनाइनिक स्फेयर में आ रहा है तो आप उसमें ओ लगा देते हो एग्जाम्पल समझ लो सपोज मैंने कोई एग्जाम्पल लिया जिसमें क्लोरीन है और क्लोरीन वहाँ पे नेगेटिव स्फेयर में आ रहा है ठीक है तो आप क्लोरीन को क्लोराइडो बोलोगे या क्लोरो बोलोगे ओ लग गया उसमें उसी की जगह अगर कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन फेयर जो है वो पॉजिटिव है तो जो लिगेंड होगा उसी का नाम लिगेंड अगर कैटाइनिक हो गया उस टाइम पे तो आप उसमें ई एम लगा दोगे आई यू एम सफिक्स का यूज करते हो अगर कैटाइनिक लिगेंड है पॉजिटिव लिगेंड है तो आई यू एम लगा दोगे नेगेटिव लिगेंड है तो ओ लगा दोगे उसके एंड में नोट कर लो बताते हैं आगे चलो दो टाइप के बेटा कंपाउंड्स होते हैं इन लिगेंड्स के बेसिस में ठीक है दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं लिगेंड्स के बेसिस पे एक होते हैं होमोलेप्टिक एक होते हैं हेट्रोलेप्टिक क्या मतलब है मैम होमो होमो मतलब नॉट फोमो इट्स होमो होमो मतलब सेम जो एक जैसी चीजें उनको आप बोलते हो, होमो ठीक है एग्जाम्पल देख लो सी ओ एन एच थ्री होल सिक्स एक एग्जाम्पल यह प्लस टू लिखा हुआ है एक है सी ओ या दूसरा लो एफ एन सी एल टू एक ये पे प्लस वन लिखा हुआ है चलो तो इन दोनों में से ये वाले एग्जाम्पल को ध्यान से देखो इसमें लिगेंड लिगेंड क्या है 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 मैम ये जो ब्रैकेट्स के के अंदर है। के अंदर स्मॉल ब्रैकेट पे लिगेंड अमोनिया है, अमीन है ना कितने टाइम है बेटा सिक्स टाइम्स अमीन है क्या अमीन ही केवल लिगेंड है बिल्कुल मतलब एक ही टाइप ऑफ लिगेंड लगा हुआ है एक टाइप ऑफ लिगेंड अमीन है तो सिर्फ अमीन ही अमीन है छह बार सेम टाइप वन टाइप ऑफ लिगेंड वन टाइप ऑफ लिगेंड ऐसे लिगेंड्स जहां ऐसे कंपाउंड जहां पर एक टाइप के लिगेंड केवल लगे होंगे उन्हें आप बोलते होमोलेप्टिक कंपाउंड होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्लियर है बिल्कुल बेटा बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगी डोंट वरी होमोलेप्टिक कैसे पता चल गया क्योंकि यहाँ पे जो लिगेंड है वो सिर्फ एक तरीके का लगा है अब ये मत सोचो मैम एक से ज्यादा लगा है वो है तो एक ही टाइप का ना मतलब अगर अमोनिया है तो सिर्फ अमोनिया ही छह बार लग गया पांच बार लग गया चार बार लग गया तो एक टाइप ऑफ लिगेंड है तो आप बोलोगे होमोलेप्टिक लिगेंड्स वेयर एज इधर ध्यान से देखो ई एन इथाइलिन डायमिन और सी एल क्लोरिन दो टाइप के लिगेंड है मोर दैन वन टाइप ऑफ लिगेंट अगर आपको दिख जाएगा तो इसे आप बोलते हो कि ये होता है हेट्रोलेप्टिक लिगेंट हेट्रोलेप्टिक लिगेंट सेम टाइप ऑफ लिगेंट होमोलेप्टिक लिगेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंट हेट्रोलेप्टिक लेगेंट ठीक है कॉम्प्लेक्स इन ऑल लिगेंड्स आर आइडेंटिकल जिसमें सारे लिगेंड सेम हो जाए आप बोलोगे होमोलेप्टिक लिगेंड्स हो गए अगर सारे के सारे आइडेंटिकल नहीं है आप बोलोगे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस होमो और हेट्रो भी क्लियर होगा मेरे ख्याल से मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्या है? डेंटिसिटी वॉट इज डेंटिसिटी भाई आप लिगेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं ठीक है ठीके? एक टॉपिक हमारा खत्म हो गया हमने वर्नर्स थ्योरी पूरा पढ़ लिया हमने थोड़े बहुत थोड़े बहुत बेसिक्स पढ़ लिए कॉर्डिनेशन कंपाउंडस के आप जानते हैं भाई कि ये लिगेंट्स क्या होते हैं कैसे कैसे लिगेंट्स यूज होते हैं इसके बारे में लिगेंट्स हमें पता चल गया लुइज बेसिस होते हैं इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह वर्क करते हैं बट ये सब कैसे होता है कौन कितने लिगेंट लगे होते हैं कैसे पहचाने गे हम सो बेसिकली चली गई क्या हाँ तो रही है शायद कैमरा थोड़ा सा सही हाँ कैमरा तो मैं भी कह रही हूँ बट ओके जस्ट अ सेकेंड वेट फॉर अ सेकेंड आई गेस माइक इज ओके कैमरा थोड़ा सा और इधर पे रहेगा हाँ हाँ फिर बिगड़ गया इसीलिए मैं सही नहीं करा रही थी <laughs> फिर बहुत देर लग जाती है माइक इज ओके बेटा वॉइस इज परफेक्ट और नॉट अच्छा माइक परफेक्ट है ठीक है ओके okay. okay, okay. नहीं हुआ सही नहीं हुआ नहीं नहीं अब तुमने कर दिया नीचे हो गया है नीचे हो गया है कहीं नहीं गई है वॉइस वॉइस यही है डायरेक्शन दे रही थी इट्स ओके okay. <coughs> नहीं नहीं कैमरा नहीं गया तो, वो वॉइस नहीं गई इट्स ओके वो माइक ऑफ किया था मैंने शशांक रहने तो कैमरा टाइम वेस्ट हो रहा है यार ये ऐसे सही होता है यहाँ से इसको इसीलिए मैं सही नहीं करा रही थी बहुत टाइम वेस्ट होता है इसमें पता है अरे नहीं शशांक तुमने पूरा वो कर दिया है चलो ऑल राइट ठीक है लेट्स गेट स्टार्टेड चलो ठीक है ठीक है सही हो गया सही हो गया कर दिया सही डेंटिसिटी क्या होता है डेंटिसिटी के बारे में समझते हैं परफेक्ट ग्रेट ग्रेट चलो लेट्स गेट स्टार्टेड कंटिन्यू डेंटिसिटी क्या होता है ठीक है डेंटिसिटी का मतलब होता है कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक लिगेंड दे रहा है सेंट्रल मेटल एटम को टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड दैट इज नोन एज डेंटिसिटी लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन अगर किसी लिगेंड ने एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल आइटम को दिया है तो आप उसको बोलते हो मोनोडेंटेट लिगेंड क्या बात है भाई मतलब एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने पे आपने मोनो बोला है बिल्कुल तो अगर दो दे दिए तो प्राइडेंटेट लिगेंड तीन दे दिए तो लिगेंड और तीन से ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए पॉलीडेंटेट लिगेंड्स ये होते हैं डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स ठीक है चलो ऑल राइट right, क्या बात है वॉइस तो क्लियर है ना बेटा Voice, voice क्यों कर रहे हो तुम लोग मेरे ख्याल से वॉइस भी क्लियर ही है लिटिल जूम इन कर दें अरे रहने दो इसको जूम इन कर दे रही हूं डोंट वरी अभी मैं इसको बता दे रही हूं पहले समझो होता क्या है सो बेसिकली नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट होंगे जो सेंट्रल मेटल एटम को एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए उसी को आप बोलते हो डेंटिसिटी डेंटिसिटी तो अगर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है आप बोलोगे मोनोडेंटेट दो लोन पेयर बाय तीन लोन पेयर ट्राईडेंटेट चार लोन पेयर पॉलीडेंटेट क्या बात क्या बात क्या बात ठीक है उससे ज्यादा नहीं होंगे वो सब पॉलीडेंटेट में आ जाएंगे चलो आप ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स होते हैं एज आई टोल्ड यू लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकता है लिगेंड पॉजिटिव भी हो सकता है लिगेंड नेगेटिव भी हो सकता है ठीक है अगर आपको दिख रहा है वेरी गुड अगर आपको नहीं दिख रहा है ये चार्ट नो प्रॉब्लम मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कुछ होते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स जो होते हैं मोनोडेंटेट मोनोडेंटेटे है, बट न्यूट्रल होते हैं अब इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं अगर मैं उनसे बोलती हूँ न्यूट्रल तो बोलते हैं हम न्यूट्रल है या मोनोडेंटेट है अरे मोनोडेंटेट है बट न्यूट्रल है क्या मतलब है मैम बेटा उसकी डेंटिसिटी वन है वो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा तो वो मोनोडेंटेट है बट उस पर कोई चार्ज नहीं आ रहा तो वो न्यूट्रल है ठीक है तो न्यूट्रल होते हैं कुछ कुछ जैसे अमीन एक्वा नाइट्रोसिल फॉस्फिन इनमें से ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है सीओ कार्बोनिल सी एस था कार्बोनिल ठीक है डाई ये सब के सब जो होते हैं ये सब कैसे होते हैं दे ऑल आर मोनोडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड्स इफ यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट एक्वा अमीन एनएच थ्री अमीन एच टू ओ एक्वा सी ओ कार्बोनिल ये सब के सब न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं और भी होते हैं क्या मैम बहुत सारे होते हैं जैसे कि एक होते हैं नेगेटिव आयन वाले लिगेंड्स एनआइनिक लिगेंड जैसे कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अपने हेलोजेंस हो गए है ना हाइड्राइडो एच नेगेटिव को बोलते हो इमाइडो एनएच पे माइनस टू होता है तब बोलते हो अमाइडो एनएच टू पे माइनस वन होता है तो आप बोलते हो ठीक है नो डिफरेंस बेटा नो प्रॉब्लम अगर आपको ये चार्ट थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं विजिबल है कोई दिक्कत नहीं आप पीडीएफ डाउनलोड करके देख लेना ठीक है सो so, बेसिकली ये हो गए अपने कुछ लिगेंड्स ऑल राइट right. कुछ कैटाइनिक होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है कुछ होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है जैसे कि अपना होता है नाइट्रोसोनियम ठीक है नाइट्रोसोनियम विच इज एनओ पॉजिटिव एनओ टू पॉजिटिव नाइट्रोनियम ठीक है हाइड्राजीनियम एनएच टू एनएच टू जो होता है ना उसमें पॉजिटिव चार्ज लगा दो हाइड्राजीनियम ठीक है

बाइडेंटेट लिगेंड्स मैम कैसे होते हैं कैसे दिखते हैं चलो बताते हैं जैसे ई एन इथायलिन डायमीन इज अ वेरी फेमस एग्जाम्पल जिसके आपको नॉमन क्लेचर में भी सिखाऊंगी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या होता है ये कैसा दिखता है ये दिखता है सी सी एच टू एच टू और एक कार्बन से एक कार्बन से एन एच टू एन एच टू लगे होते हैं तो इसको आप बोलते हो इथायलिन डायमीन ये एक बाइडेंटेट लिगेंड्स है मतलब ये कैसा है मैम न्यूट्रल पॉजिटिव नेगेटिव एक्चुअली इट इज न्यूट्रल इन नेचर ठीक है चलो तो इथाइलिन डायमिन हो गया एक होता है एसिटेलिन एसिटोन एक होता है पीएचईएन अच्छा इनमें से दो सबसे एग्जाम्पल फेमस है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए एक फर्स्ट वाला याद रखना इथाइलिन डायमिन विच इज ई और एक लास्ट वाला याद रखना विच इज ओ एक्स आयन एक ओ याद रखना और एक इथाइलिन डायमिन ऑक्जालेट कैसा दिखता है दो कार्बन से दो ऑक्सीजन ऊपर लगा देना दो ऑक्सीजन नीचे लगा देना दोनों कार्बन से ऊपर वाले ऑक्सीजन या किसी भी एक साइड के ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड और दूसरे साइड के ऑक्सीजन पे सिंगल बॉन्ड विद नेगेटिव चार्ज ठीक है चलो ऑल राइट ऑल राइट तो ये हो गया ऑक्जालेट आयन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज ट्राइडेंटेट लिगेंट ऐसे लिगेंट जिनकी डेंटिसिटी थ्री है मतलब वो तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं उन्हें आप बोलते हो ट्राइडेंटेट और मैम अगर तीन से ज्यादा हो जाए तो फोर फाइव सिक्स सेवन ये सब पॉलीडेंटेट में कंसिडर किए जाते हैं जिनकी डेंटिसिटी से ज्यादा होती है देंगे को है तो जो सब सब के में होंगे। वेरी फेमस एग्जाम्पल फॉर दिस वन इज इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेट इथायन डायमिन टेट्रा एसिटेट विच इज ऑल्सो नोन एज ई क्या होता है ये ई कोई मुझे बॉक्स में बताएगा वट इज दिस ई डी टी ए यूज फॉर ईडी इथाइलिन डायमिन टेट्रा एसिडेट इथालीन डायमिन टेट्रा एसिटेट इज अ पॉलीडेंटेट लिगेंड कैसे दिखता है मामी ये अभी आपने इथाइलिन डायमिन पढ़ा था ना ई एन बस उसी को तीन बार बना दो वन टू थ्री ऐसे एक बचपन में एक वो सीनरी बनाते थे ऐसी वाली ये वाली ये वाली इस टाइप का इस टाइप का होता है डाई इन डाय ट्राइन लेकिन इथाइलिन डायमिन थोड़ा सा डिफरेंट समझना कैसा होता है इथाइलिन डायमिन में आपको दो कार्बन लेने हैं उससे दो नाइट्रोजन लगाने हैं कॉर्नर में ठीक है आपको दो कार्बन लेने हैं उससे दो नाइट्रोजन एक एक नाइट्रोजन मतलब लगा देना है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे अगेन सिंगल आपको वापस से एक कार्बन बनाना है मैं आप चाहो तो बना के दिखा दे रही हूँ उसको एक कार्बन से सिंगल कार्बन जिससे कार्बोनिल ग्रुप है और जिससे फर्दर लगा हुआ है ऑक्सीजन अगेन सेम चीज चार बार रिपीट कर दो यहां पे दिख रहा है आई डोंट नो सेम चीज चार बार रिपीट कर दो ओ ये ओ, पे नेगेटिव लगा दो यहाँ पे ठीक है ये होता है इथाइलिन डायमिन दो कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन लगाओ उसके ऊपर से कार्बन कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन फिर वही चीज चार बार बना दो दैट इज एन वेरी गुड इट इज इट इज सिक्स इट हैज सिक्स डेंटिसिटी रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर वेरी गुड ठीक है क्या बात है क्या बात है ठीक है ये क्या हो रहा है मैम कौन सी दुनिया के क्वेश्चन हैं ये ये कहाँ से आई है केमिस्ट्री इतने मन चले जो तुम लोग के क्वेश्चन है ये एग्जाम के बाद सोचना अभी एग्जाम वाले क्वेश्चन पे फोकस करो एक्साटेंटेड होता है वेरी गुड बेटा नहीं आप फॉर्मला इट्स ओके इट्स ओके थोड़ा सा बस समझ लो ईडीटी होता क्या है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ जाता है वन मार्किंग वाला ठीक है ओके क्या बात है सॉल्वेंट yes, yes, की तरह होता है करेक्ट वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऑल राइट सो दिस इज मैंने कर दिया है दो कार्बन नाइट्रोजन बनाना उससे कार्बन 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 ऑक्सीजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन समझो कैसे बनता है स्ट्रक्चर कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन उससे कार्बन कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन अगर दिमाग के ऊपर से चला गया तो स्ट्रक्चर देख लो दैट इज इज एज ईडी डायमिन टेट। बड़े प्यारे होते हैं। आप सभी ने थ्री इडियट्स दिखा है? है थ्री इडियट्स में एक कैरेक्टर होता है जो दोनों हाथों से लिखता है बताओ भाई जल्दी से बताओ तुम लोग इतनी देर से कोई आंसर तो नहीं देते अच्छे से एटलीस्ट मूवी में तुम लोग को प्रो होना चाहिए क्या बात है केमिस्ट्री में मैम अब मन लगेगा क्या बात है कहाँ पे पूरी नहीं हुई बेटा उसमें हाइड्रोजन लगेंगे जहां पूरी नहीं हुई वहाँ हाइड्रोजन लगा दो मैंने हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं किए लगा दो हर जगह टू एच टू ठीक है वो कार्बन जहां जाए उसमें हाइड्रोजन मेंशन नहीं करते आप लगा दो हर जगह वैलेंसी पूरी करने के लिए प्रोफेसर क्या बात है वायरस वेरी गुड वेरी गुड समझ गया तुम लोग का मन पढ़ाई में क्यों नहीं लग रहा है सो बेसिकली वो दो हाथ से लिखता है ऐसे पर्सन जो दो हाथ से लिखते हैं उनको आप एम्बी डेक्स्ट्रस नाम से जानते हो तो एम्बी डेंटेट लिगेंट मैम इनके पास दो हाथ होते हैं क्या कह सकते हो ये ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनके पास दो डोनर एटम साइड होती है मतलब मैम मतलब आजू से देखो तो वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है बाजू से देखो तो वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है दो डोनर साइड होगी इनके पास ऐसे लिगेंड्स को आप बोलते हो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स फॉर एग्जाम्पल जैसे कि नाइट्रो वाला ग्रुप वैसे ये नाइट्रो वाला ग्रुप अगेन नॉमन क्लेचर में काम आने वाला है तो याद रखना नाइट्रो होता है बेटा नाइट्राइटो मतलब एनोटू ये होता है नाइट्राइटो ठीक है है अब आपको पता है, अगर इसका इसके पास दो डोनर साइड होती है इसको आप ऐसे ड्रॉ करते हो एन ओ -O -O. O पे नेगेटिव होता है पे अगर इसका ऑक्सीजन वाला साइड मेटल को सेंट्रल मेटल आइटम को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो आप बोलोगे इसको नाइट्राइटो ओ नाइट्राइटो ओ। मतलब इसका जो ओ वाला साइड है ना उसने लिगेंड डोनेट किया ओके okay, मैम लेकिन ऐसा क्यों लिखा ऐसा इसलिए किया लिखा क्योंकि हो सकता है इस एन ओ या इसको अब ऐसे बना लो एन ओ ओ में नाइट्रोजन जो है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे तो अगर नाइट्रोजन करेगा तो आप बोलोगे नाइट्राइटो एन क्योंकि आपकी एन डोनेट कर रहा है इलेक्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी तो आपने बोल दिया नाइट्राइटो एन uh, क्या मैम ऐसा हर बार लिखते हैं हर एक में एक्चुअली नॉट जैसे अगर आप सी uh, एन देखो तो वो साइनाइड होता है उसी की जगह अगर आप एन सी देखो तो वो आइसोसाइनाइड हो जाता है तो वहां पे आपको एन और सी लिखने की जरूरत नहीं है वो तो क्लियर ही हो गया ना साइनाइड सी एन एंड आइसोसाइनाइड एन सी जैसे कि एक होता है एस सी एन और एक होता है एन सी एस एस सी एन को आप बोलते होनाइटो और एन सी एस को आप बोलते हो आइसो थायो, थोसाइनाटो थायो, तो मतलब कि कुछ कुछ अपने आप नोन होते हैं तो उसके लिए आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है ठीक है सो बेसिकली इसी को आप बोलते हो एम्बीडेंटेट लिगेंड जिनके पास मोर साइड होगी हम बोलते हैं ambidextrous, ambidentate ligands. Is thing clear to everybody? Example आपने देख लिया है आप बोलते हो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स नेक्स्ट होते हैं बड़े प्यारे से चिलेटिंग लिगेंड्स सबने चीला खाया है चीला चीला खाया सबने चीला वो गोल सा होता है राउंड राउंड बेसन का रबे का भी होता है तो चीला जो होता है वो राउंड शेप का होता है तो बस ऐसे याद कर लो यार चिलेटिंग लिगेंड्स कितनी होम रेमेडी काइंड ऑफ स्टडी कर रहे हो तुम लोग देख रहे हो है ना सो so, मैंने ऐसे चिलेटिंग लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स जो सर्कुलर फॉर्म में हो जाते हैं मतलब ये लिगेंड्स एक रिंग स्ट्रक्चर शेप कर लेते हैं उन्हें आप बोलते हो चिलेटिंग लिगेंड्स मैम एग्जाम्पल प्लीज आपने अभी भी इथैलियन डायमिन पढ़ा था ना इथैलियन डायमिन क्या होता है सी एच टू सी एच टू से एन एच टू एन एच टू जब वो एक मेटल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कई बार वो एक रिंग स्ट्रक्चर शो कर लेता है फॉर्म कर लेता है जैसे आप बोलते हो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है तो ये एक चिलेटिंग लिगेंड की तरह भी वर्क कर सकता है चिलेटिंग ऐसे मोनोडेंटेट होगा तो रिंग नहीं बन सकती इलेक्ट्रॉन दो, दो, दो आते हुए एक एक साथ दिखने चाहिए तो एटलीस्ट बाइडेंटेट होना चाहिए बायडेंटेट या पॉलीडेंटेड लिगेंट जो अटैच हो जाते हैं एक साथ कुछ इस तरीके से इन सच दैट दे रिंग एक रिंग बना लेंगे उन्हीं को आप बोलते हो चिलेटिंग सी इन दिस एग्जाम्पल ठीक है अगर आपसे कभी बोल दिया जाए गलती से भी अगर एग्जामिनर यह बात बोल देता है कि बेटा ऐसा है मुझे बताओ कितनी रिंग बनेंगी पर्टिकुलर लिगेंड से आपको कुछ नहीं करना है आपको उसकी डेंटिसिटी में से वन को माइनस कर देना है क्या मतलब है मैम इसका इथाइलिन डायमीन एक बाई लिगेंड है दो डेंटिसिटी होती है इसकी अगर दो डेंटिसिटी है तो यह एक रिंग बनाएगा ठीक है मतलब टू माइनस कर दिया अगर तीन डेंटिसिटी होती तो तो ये दो रिंग बनाता मतलब समझो नंबर ऑफ रिंग्स निकालने का होता है फॉर्मिला तो टू माइनस वन इज वन तो देखो केवल और केवल वन रिंग इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल ठीक है तो ये हो गई टाइप्स ऑफ लिगेंग इज क्लियर टू एवरी वन ठीक है ठीक है ऑल राइट आई गेस इट इज क्लियर चलो ऑल राइट right. चलो ऑल राइट ऑल राइट आगे बढ़ जाते हैं ये हो गई डेंटिसिटी हमारी अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेसिकली देखो ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों चीजें आपको आने चाहिए वैना ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ये ऑक्सीडेशन नंबर जितने भी एटम्स है मैं एक एक्स्ट्रा ट्रिप दे दे रही हूं वैसे आपको पता होगा ये क्या होता है गेसो ठीक है सो बेसिकली जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है जिसमें बहुत सारी जितनी भी स्पीशीज में एटम है एक पर्टिकुलर स्पीशी में या कंपाउंड जिसको आप बोलते हो उसमें जितने भी एटम्स हैं उन सबकी वैलेंसीज का ऑक्सीडेशन नंबर का सम निकालो और इक्वल रख दो टोटल चार्ज जो उस स्पीशी में है

CuNH3 होल 4 तो इजी हो जाएगा FeCN6 3- चलो ले लेते जल्दी से बताना क्या आ रहा है भाई ऑक्सीडेशन नंबर Fe CN 6 3- इन दी चैट बॉक्स जो सबसे पहले आंसर देगा राइट हेज़ और हर नेम क्या आ रही है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इस में आयरन की जिसने सबसे पहले आंसर दिया आई राइट हेज़ और हर नेम ओके सो आई गेस सबसे पहले आंसर दिया है श्लोक ने उसको आपको मान लेना है एक्स ठीक है साइनाइड साइनाइड पे कितना चार्ज होता है माइनस वन का चार्ज होता है और साइनाइड है कितनी टाइम्स साइनाइड है सिक्स टाइम्स ठीक है तो यहाँ पे बल्कि माइनस वन इंटू सिक्स कर दोगे आप प्लस करके और ओवरऑल चार्ज कितना है पूरे पे चार्ज है माइनस थ्री का ओवरऑल चार्ज आप रख दोगे हर एटम हर एक एटम में एक पर्टिकुलर स्पीशी में हर एटम में जो चार्ज आ रहा है उसको इक्वल रख दो उसके ओवरऑल चार्ज के सो फ्रॉम हेयर एक्स माइनस सिक्स विल बी इक्वल्स टू थ्री एंड एक्स इज इक्वल्स टू प्लस का थ्री तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया इसका थ्री अब आपको पता है जो थ्री लिखोगे ना वो आप रोमन नंबर्स के फॉर्म में लिखोगे मतलब यू विल राइट इट एज वन टू थ्री ऐसा क्यों बता रहे है? पहले से ही समझ के चलो ताकि जब आप इसमें नॉर्मन क्लेचर करो तो आपको अपने आप कोई डाउट ना रहे रोमन नंबर्स में ऑक्सीडेशन नंबर को आप लिखेंगे यहाँ पे क्लियर और कोई एग्जाम्पल ले लीजिए के फोर एफ सी एन सिक्स ले लो चलो ये वाला हो गया है ए जी एन एच थ्री सी एल ले लो एजी एन एच थ्री होल्ड सी एल ठीक है पूरे पे कोई चार्ज नहीं है ए जी एन एच थ्री सी एल बताइए क्या होगा भाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिल्वर टू आ रहा है ओके टू आ रहा है चलो लेट्स चेक लेट्स चेक जिसका भी निकालना है उसको हमने एक्स मान लिया अमीन अभी अभी हमने देखा मोनोडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड है ये एक राइट सो प्लस टू इंटू जीरो और क्लोरीन कितना है माइनस वन इक्वल्स टू जीरो ओवरऑल पे कोई चार्ज नहीं है वन विल बी द राइट आंसर या टू इज नॉट द राइट आंसर वन विल बी द राइट आंसर एक्जैक्टली, एक्जैक्टली वन विल बी द राइट आंसर टू इंटू जीरो इज जीरो सो एक्स माइनस वन फ्रॉम यर एक्स विल बी इक्वल टू प्लस का वन क्लियर है ऐसे आप निकालते हो ऑक्सीडेशन स्टेट तो यू विल से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिल्वर इज प्लस वन मतलब वन आ गया राइट आंसर इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीबडी येस और नो टिल नाउ ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर है जल्दी जल्दी बता दो कॉर्डिनेशन नंबर पढ़ के जल्दी से नॉर्मल क्लियचर स्टार्ट कर दूंगी बताइए करेक्ट 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 ठीक है ग्रेट देन वेरी गुड इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं यार हमारे पास इतने इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे पास क्या बात है ठीक है ग्रेट चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन एपिक तरीके से क्लियर हो गया ओके नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर व्हाट कोऑर्डिनेशन नंबर वैसे तो आप देख के समझ ही था कोऑर्डिनेशन नंबर था उसमें क्या आ रहा है एक्चुअली नॉट कई बार आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना भी होता है कैसे होता है पहले तो समझ लो कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल होता है जितने भी टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड जितने भी होंगे विच द लिगेंड फॉर्म विद विथ सेंट्रल मेटल आइटम और दी मेटल आइन तो क्या जब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है मैम हम बैठ जाएंगे उसके बॉन्ड काउंट करने एक्चुअली नॉट फॉर्मला क्या होता है इसका बहुत आसान सा फॉर्मुला है कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल होता है जितने भी नंबर ऑफ मोनोडेंटेट या जिसको आप यूनिडेंटेट लिगेंट बोलते हो जितने भी नंबर ऑफ मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंट है उसमें ऐड कर दूँ अगर और भी ज्यादा एलिगेंट है देखो अगर सिर्फ एक टाइप ऑफ लिगेंड है सपोज केवल मोनोडेंटेट लिगेंड है तो केवल आप जो भी मोनोडेंटेट लिगेंड जितने भी लगे उसका आपको लिख देना है वो कॉर्डिनेशन नंबर हो गया अगर उसके साथ साथ कोई लिगेंड भी लगाए तो जो मोनोडेंटेट है उसमें प्लस करो टू इंटू जो है अगर ट्राइडेंटेट है तो उसमें प्लस करो थ्री इंटू जो भी ट्राइडेंटेट लिगेंड हो अगर आप कंफ्यूज हो गए तो चलो इसको एक क्वेश्चन से कर लेते हैं कोई भी ले लो सीओन होल क्यूब और पूरे पे, पूरे पे चार्ज है प्लस थ्री का इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सपोज मैंने आपसे बोला फाइंड आउट करिए कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालोगे आप वेरी सिंपल डायमीन अच्छा चलो पहले आंसर बता दो पहले तुम लोग बता दो प्लस सिक्स आ रहा है ओके ओके ठीक है तो ऑलमोस्ट सबका सिक्स आ रहा है चलो लेट्स फाइंड इट आउट कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है आपको किसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ इथाइलिन डायमीन ई एन का इट इज़ अ बाडेंटेट लिगेंड तो आप बोलोगे कॉर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू वन इंटू मोनो डेंटेट प्लस टू इन टू बाईडेंटेट प्लस थ्री इन टू ट्राई डेंटेट है ना तो ये एक मोनोडेंटेट लिगेंड है सॉरी बायटेट लिगेंड और कितनी टाइम्स है थ्री टाइम्स है तो थ्री इंटू बाईडेंटेट डेंटिसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया सिक्स विल बी द फाइनल आंसर वेरी गुड सिक्स विल बी द राइट आंसर वेरी गुड ठीक है तो यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं अपने पास कॉर्डिनेशन नंबर्स ठीक है कैलकुलेट कर लोग आप अभी तक समझ ही गए कोई एक और ले लो ये ले लो सी ओ एन होल स्क्वायर एफ ई टू सी ओ एन होल स्क्वायर फ्लोरिन एफ टू और एसओ फोर है ठीक है एफ टू एसओ फोर एसओ फोर इज ठीक है हाँ सही है चलो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा देखो इथाइलिन डायमीन है और फ्लोरीन है है ना नंबर ऑफ लिगेंड्स देख लो इथाइलिन डायमीन बायट होता है टू इंटू टू प्लस फ्लोरीन कितना होता है फ्लोरीन इज मोनोडेंटेड अब चार्ज से आपको मतलब नहीं है चार्ज नहीं पूछ रहे सिर्फ डेंटिसिटी है वन इंटू टू ठीक है सिक्स आ जाएगा इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बात है क्या बात है सिक्स विल बी द राइट आंसर और राइट सिक्स विल बी द राइट आंसर ठीक है तो यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर लिखे हुए हैं यू कैन गो थ्रू द चार्ट मूविंग फॉरवर्ड विद द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज नॉमन क्लेचर फाइनली लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नॉमन क्लेचर क्या टाइम हो रहा है भाई चलो राइट सो लेट्स गट स्टार्टेड विद दी नॉमन क्लेचर यहां तक की बात सबको क्लियर हो तो थम्स अप आ जाए पहले तो यार बहुत सारे राइट सो आएगा सबको क्लियर होंगी ये सारी चीजें क्या बात है Thumbs up, दिल, विल, सब आ गया, ज्यादा ही क्लियर हो रहा है मुझे लग रहा है तुम लोगों को यार है ना क्लियर नहीं हो रहा है आप लोगों को बहुत ज्यादा क्लियर हो रहा है मुझे लग रहा है।, है क्या बात है क्या बात है चलो चलो ग्रेट 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 नॉर्मन क्लेचर आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने हम लोगों ने हम लोगों ने ये यहाँ पे वर्नर्स थ्योरी कंप्लीट कर ली है साथ ही साथ कुछ बेसिक्स कंप्लीट कर लिए हैं अभी तक एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ और कुछ बेसिक्स अब आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी टेंशन नहीं लेना समझो ध्यान से नेक्स्ट इज नॉमन क्लेचर अब नॉमन क्लेचर के मैं जो आपको रूल्स बता दूं, उनको लर्न कर लेना रट लेना अच्छे से और समझ लेना अब ये क्या है ध्यान सुनो पर ऐसे नॉमन क्लेचर नॉमन क्लेचर मतलब मैम नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स करेक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग ही सबसे ज्यादा बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगती है इट्स ऑफ ऑफकोर्स इतनी ज्यादा होती नहीं है बट कुछ लोगों को लगती है बट ये नॉमन क्लेचर है क्या बेसिकली नेमिंग के आपको कुछ रूल्स पढ़ने हैं यहाँ पे पांच रूल्स लिखे हुए हैं ये पांच रूल्स पढ़ लो पांच से छः सात रूल्स हैं मैक्सिमम बहुत ज्यादा शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए ये रूस। इन रूस से आपको कुछ नहीं पढ़ना है इसके बाद मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सुनो आप नंबर वन रूल रूल नंबर वन कहता है अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयनिक है पहले तो ये आयनिक और एन का खेल भी समझ लो वन ऐसे आयनिक और एन कोई चीज आयनिक है या एनाइनिक है ये कैसे निकालोगे आप सपोज मैंने बोला एन है या आयनिक है तो कोई भी ले लो के फोर एफ ई सी एन सिक्स वापस से आ जाए भाई के फोर एफ ई सी एन सिक्स कोई भी कंपाउंड ले लो अब इसमें एक कोई स्पीशी आयनिक होती है एक कोई स्पीशी नॉन आयनिक होती है एज इन दिस एग्जाम्पल यहाँ पे जो कॉर्डिनेशन स्फेयर है अपनी ये या तो आयनिक होगी या तो एन आयनिक होगी कोई मुझे चार्ट बॉक्स में बता सकता है क्या ये कैसी है कोई मुझे बॉक्स में बता सकता है ये कैसी है आयनिक है या एन आयनिक है

नेगेटिव कैसे पता चल रहा है जो चीज बाद में लिखी जाती है वो नेगेटिव होती है जो चीज पहले लिखी जाती है वो पॉजिटिव होती है इसी तरीके से हम कंपाउंड्स पढ़ते हैं बचपन से बस यही आपको देखना था तो यहाँ पे जो पोटेशियम है वो एक पॉजिटिव आयन की तरह बिहेव कर रहा है और पूरी जो अपनी कोर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्र है दैट इज कि चार्जनिक ना द रूल नंबर वन इज वेरी वेरी सिंपल इट कि अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आइनिक है मतलब कंपाउंड पूरा आइनिक है मतलब अभी एनाइनिक कैटाइन की बात नहीं कर रहे हैं बोल रहे है, चार्ज है कंपाउंड में अगर कॉर्डिनेशन कंपाउंड आइनिक है तो कैटाइन को आप पहले लिखोगे पहले आप कैटाइन का नाम लिखोगे फॉलोड बाई द एनायन फिर आप एक एनायन का नाम लिखोगे फिर से नंबर अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो अपना है वो चार्ज वाला है उसमें कोई ना कोई चार्ज है इट इज आयनिक इन नेचर तो उस टाइम पे आप बोलते हो कि जो पॉजिटिव वाला ग्रुप है अपना उसको आप पहले लिखोगे उसका नाम और जो नेगेटिव वाला ग्रुप है उसका नाम बाद में लिखोगे ठीक है कोऑर्डिनेशन स्फीयर

क्या बात है चलो सो so, बेसिकली पढ़ाई पे ध्यान दे लो यार तुम लोग चार दिन बाद एग्जाम है तुम लोग को ये क्या हाँ पूरा बच्चे हमारे आप अगर एक से ज्यादा लिगेंड है सपोज इथाइलिन डायमीन भी लगा हुआ है अच्छा इथाइलिन डायमीन एक अलग केस में आ रहा है उसके बारे में भी बहुत प्यारी एक चीज बताने वाली हूँ वो समझ लेना लर्न कर लेना वो बिस्ट्रेस टेट्रा काइस वाले क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें आप बहुत कंफ्यूज होते हो वो बड़े ईजी होते हैं अभी समझाती हूँ क्या मतलब होता है उनका पहले समझो सबसे पहले हमने बोला कि अगर आइनिक है कोऑर्डिनेशन स्फेयर मतलब चार्ज है उसमें कैटायन एन आयन पॉजिटिव नेगेटिव आयन बैठे हुए हैं तो सिंपल है यार पहले आप आयन का नाम लिखोगे वाले का वाले फिर आप नेगेटिव वाले का एनाइन का नाम लिखोगे रूल नंबर टू इज सेइंग कि अगर कोऑर्डिनेशन कॉर्डिनेशन में एक से ज्यादा है तो लिगेंड का का नाम नाम आप लिखेंगे कैसे लिखेंगे कैसे सेल्फाबेटिकली अगर एक से ज्यादा लिगेंड है तो आप एल्फाबेटिकली लिगेंड का नाम लिखते हो नंबर वन थिंग नंबर टू जैसे अच्छा एग्जाम्पल समझ लो सपोज क्लोरीन भी आ गया कहीं पर और ब्रोमिन भी आ गया और दोनों लिगेंड की तरह लगे हुए हैं तो बी पहले आता है तो ब्रोमो आप पहले लिखोगे क्लोरो आप बाद में लिखोगे, Alphabetically लिखोगे क्लोरोड का नाम अब बेटा एक चीज और समझो बहुत लोग को लगता है कि अगर सपोज बी आर टू लगा है और सी एल लगा है ये दो लिगेंड लगे हैं किसी एक एग्जाम्पल में सपोज कर लो आपको इसका नाम लिखना है तो आप ऑफकोर्स यहाँ पे डाय ब्रोमो लिखोगे क्योंकि ये दो टाइम है डाय ब्रोमो और इसको आप क्लोरो लिखोगे लेकिन जब आप नेमिंग कर रहे हो तो आप अल्फाबेटिकली लिखते हो चीजों को अब अल्फाबेट में बच्चे कंफ्यूज जाते हैं डी बाद में आता है सी पहले आता है लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको दिस इज वेरी सिंपल आप ये प्रिफिक्स को कंसिडर नहीं करोगे प्रिफिक्स को कंसिडर नहीं करोगे सिंपली बी पहले आता है सी बाद में आता है बाय ट्राई टेट्रा कुछ नहीं मतलब आपको उससे बाय ट्राई टेट्रा से आपको कोई मतलब नहीं है क्लियर राइट सो दिस इज वॉट आई मीन की प्रिफिक्स को आपको कंसिडर नहीं करना है अलॉन्ग विद वन मोर एग्जाम्पल इज देयर अब सुनना अगर कहीं इथाइली डायमीन आ गया इथाइलीन डायमीन तो इसको आप सपोज आपने इथालियन डायमिनियन डायमिन तो इसमें बी को आप प्रिफिक्स को करते अब नहीं, मैं इसको अभी पे आपको नहीं करने वाली हूं फिलहाल जो बस जितना लिखा है समझ लो। sphere, बाकी मैं आपको कराने ही वाली तो आप समझ जाओगे क्या है उनका ठीक है कुछ समझ नहीं आ रहा है बेटा चैट्स पे ध्यान हटाओ चैट से और यहाँ पे समझो आ जाएगा समझ में चैट से ध्यान हटा लोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा चैट्स में नहीं समझ में आएगा चैट्स में टीचर्स थोड़ी पढ़ा रहे हैं आपको टीचर आपको यहाँ पढ़ा रहे सामने कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले लिगेंड का लिखोगे आप सेकंड नंबर पे आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे सेंट्रल मेटल लिखोगे ठीक है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड लिखा सेंट्रल मेटल एटम लिखा वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन जो यहाँ पे हाईलाइट की गई है आइड इज रिप्लेस्ड बाय आइडो एट इज रिप्लेस्ड बाय एटो अगर कभी भी आइड वर्ड का यूज है जैसे क्लोराइड आइड वर्ड को आप रिप्लेस करते हो आइडो वर्ड से ठीक है आइडो क्लोराइड क्लोराइडो हो जाएगा या फिर क्लोरो भी बोल सकते हो और एट वर्ड जो है वो एटो में रिप्लेस हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन से समझना आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन से समझ लेना सारी चीजें अभी टेंशन नहीं लो अगर सेम लिगेंड प्रेजेंट है एक से ज्यादा बार तो ट्राई टेट्रा लगाते हो अगर एक से ज्यादा बार कोई एक जैसा लिगेंड लग गया तो आप डाय ट्राई टेट्रा लगा लोगे यहां तक की कहानी तो ईजी रहती है लेकिन कई बार ऐसा होता है वो बेस्ट्रेस टेट्रा काइस वाले क्वेश्चन आते हैं वो कैसे करते हैं समझो अगर कोई लिगेंड है उसमें ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा ऐसा कोई वर्ड लग गया फिर से कोई ऐसा लिगेंड है जिसमें ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा लगा हुआ है मतलब आपने लगाया नहीं है इसलिए आपने लगाया नहीं है कि डाई क्लोरो ट्राई क्लोरो नहीं वो ऑलरेडी है मैम क्या बोल रही हैं आप समझ ही नहीं आ रहा है ऐसा सोच रहे होगे तुम लोग समझाती हूँ मैंने बोला ईएन व्हाट इज दिस इट इज इथाइलीन डायमीन सपोज अब इसमें ऑलरेडी डाई वर्ड का यूज हो रहा है तो अगर कभी इसका स्क्वायर लग गया तो आप डाय अमीन नहीं लिखने वाले फिर से, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें ऑलरेडी टेट्रा वर्ड यूज होता है तो उस टाइम पे आप डाय टेट्रा का दोबारा यूज नहीं करते हो मैम एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है आपके सामने इथाइलिन डायमीन में वर्ड अपने आप आता है हम लगाते नहीं है तब भी इसमें वर्ड आता है तो इस टाइम पे आप वापस अगर ये टू टाइम्स लग गया तो आप डाई इथाइलिन डाई अमीन नहीं लिखते हो तो क्या मैम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं बिल्कुल भी नहीं तब आप प्रिफिक्स का यूज करते हो उस टाइम पे जो प्रिफिक्स आते हैं वो होते हैं बिस अगर दो बार कोई चीज लगी है तो ट्रिस अगर तीन बार कोई चीज लगी है तो एंड टेट्राकाइस अगर चार बार कोई चीज लगी है तो

मैं आपको बोल रही हूं जो मैं पढ़ा रही हूं उससे आपको कुछ नहीं पढ़ना है मोर देन इनफ़ है बस समझ के चलो पढ़, पढ़ते चलो पढ़ते हुए थर्ड पॉइंट इज आपने सारे लेगेंड लिख दिए अब आप सेंट्रल मेटल आइटम लिखोगे सेंट्रल मेटल आइटम जब भी आप लिखोगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर के साथ लिखना और ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे लिखोगे रोमन नंबर्स में ठीक है आपने क्या किया आपने अब लिगेंड लिख दिया लिगेंड के नाम देख लिया आपने देख लिया कितनी बार कोई लिगेंड आ रहा है एवरीथिंग इज कंप्लीटेड नाउ आप उस सेंट्रल मेटल एटम को जब लिखोगे तो सेंट्रल मेटल एटम का आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो रोमन नंबर्स के फॉर्म में लिखोगे ठीक है करो यार जल्दी जल्दी ठीक है नहीं इट इज मोर देन फोर बेटा मैक्सिमम इट विल बी फोर फोर तक ही रहेगा ठीक है चलो ऑल राइट वेरी गुड वेरी गुड चलो ग्रेट नेक्स्ट इज क्वेश्चन पॉइंट नंबर फाइव ना पॉइंट इज वेरी अगर कोऑर्डिनेशन स्फेयर एनआईनिक है तो सेंट्रल मेटल एटम में आप एट वर्ड लगा दोगे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यू कैन से सम वेरी इजी अंडरस्टैंड वेना अगर कोई भी कंपाउंड है ऐसा कंपाउंड जिसमें कॉर्डिनेशन स्फेयर जो है वो नेगेटिव है कोऑर्डिनेशन स्फेयर जो है वो नेगेटिव है ऐसे टाइम पे आप कोऑर्डिनेशन स्फेयर अगर नेगेटिव होती है तो जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है उसमें आप एट वर्ड यूज करोगे एट वर्ड एड करोगे एज अ सफिक्स मतलब क्या मतलब इसका समझना अगर मैंने बोला सपोज के फोर एफ सी एन सिक्स लगा दिया ठीक है सेम एग्जाम्पल वापस से ले लो तो आपने सब कुछ लिख दिया अब के फोर एफ सी एन सिक्स में जो कॉर्डिनेशन फेयर हैज़ एफ ई सी एन सिक्स वो पूरी कैसी है वो एनाइनिक है नेगेटिवली चार्ज है उस टाइम पे आपने जो सेंट्रल मेटल लिखना है सेंट्रल मेटल आइटम लिखना है यानी कि जो आयरन होगा उसे आप आयरन ना लिख के आप फेरेट लिखोगे एट वर्ड का यूज़ कर लोगे आप वापस से समझो अगर कभी कोऑर्डिनेशन स्फेयर नेगेटिव है तो सेंट्रल मेटल आइटम में एट सफिक्स का आप यूज करते हो मतलब उस वर्ड को आप एट से एंड करते हो सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर है ये देखिए पॉइंट्स क्लियर है मैं वापस से पांच पॉइंट्स एक मिनट में रिवाइज करवाती हूँ पॉइंट नंबर वन कह रहा है अगर कोऑर्डिनेशन कॉर्डिनेशन फेयर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो आइनिक कंपाउंड है तो कटाइन को आप पहले लिखोगे एनाइन को आप बाद में लिखोगे नंबर टू अगर कोऑर्डिनेशन स्फेयर में लिगेंड एक से ज्यादा है तो आप एल्फाबेटिकली ऑर्डर पर लिखते हो लिगेंड्स को सेंट्रल मेटल आइटम उसके बाद लिखते हो आइड वर्ड को आइडो से रिप्लेस करते हो लिगेंट के और एट वर्ड को एटो से रिप्लेस करते हो अगर एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट है तो आप उसमें डाई ट्राई टेट्रा का यूज करते हो अगर डाई ट्राई टेट्रा ऑलरेडी किसी लिगेंड में लगा है तो उस टाइम पे आप

क्या बात है क्या बात है आ गया था सब बहुत सारे ग्रेट वेरी गुड वेरी गुड फाइन चलो अब क्वेश्चन से समझते हैं अगर थोड़ा सा भी डाउट रह गया वन परसेंट भी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस लिए भैया हमारे पास लेट्स अंडरस्टैंड लेट्स गेट स्टार्टेड विथ फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर डायरेक्टली कर ले पहले प्रीवियस ईयर कर लो बोर्ड के क्वेश्चन उसके बाद वापस से समझ लेंगे आगे की चीजें क्वेश्चन नंबर वन पहले आप ट्राई करो फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी सी ओ एन एच थ्री मैं लिख देती हूँ सी ओ एन एच थ्री होल फोर क्वेश्चन है आपका सी ओ एन एच थ्री होल फोर आई गेस एस ओ फोर था ना एन एच थ्री होल फोर एस ओ फोर एन ओ थ्री एस ओ फोर एन ओ थ्री चलो ये आपका क्वेश्चन है यहाँ तक का दिख रहा होगा सबको हाँ आपको बताना है इसका नाम क्या होगा नहीं बेटा इसके बाद कोई जरूरत नहीं आपको कहीं से पढ़ने की ना बुक ना कॉपी स्ट्रैटेजी वीडियो जरूर से देख लेना उसमें मैंने आपको बता दिया कब क्या पढ़ना है आपको बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा माइंड डाइवर्ट हो रहा है अरे रे माइंड को स्टेबल कर लो बेटा एग्जाम में डाइवर्ट हो जाएगा तो क्या ही मतलब ओके आई कैन सी सो मेनी आंसर्स ओके टेट्रा अमीन कोबाल सल्फेट थ्री नाइट्राइट ओके 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 आई कैन सी सो मैनी राइट आंसर्स रीजनिंग क्वेश्चन चलो चलो समझते हैं यहां पे ये क्या है हमारा लिगेंड लिगेंड नंबर वन लिगेंड नंबर टू स्फेयर कैसी है पॉजिटिव स्फेयर है ध्यान से सुनना सबसे पहले आप किसका नाम लिखते हो सबसे पहले आप लिखते हो लिगेंड का नाम लिगेंड का नाम कैसे लिखा जाएगा एक तो हमारे पास अमीन है एक हमारे पास सल्फेट है किसका नाम पहले लिखे अमीन और सल्फेट मैम अमीन में ए आ रहा है और सल्फेट में एस आ रहा है सोच रहे हो ऐसा ए पहले आता है अल्फाबेटिकली अमीन कितनी बार है चार बार है तो आप बोलोगे बारीन हर चीज स्मॉल लेटर में लिखना गैप मत रखना ये हमेशा अपने आप सही रखना ये चीज ठीक है अगर मैं कहीं कैपिटल लेटर यूज भी कर ले रही हूं या गैप कर दे रही हूं टेंशन नहीं लो आपको ये चीज याद रखनी है ना ही तो गैप होगा ना ही तो कैपिटल लेटर होगा चलो सो टेट्रा अमीन तो हमें समझ में आ गया मैम टेट्रा अमीन है ना

अगर रूल ये कह रहा था लास्ट वाला अगर है स्फेयर अगर ये पूरा नेगेटिव वाली स्पेयर होती लेकिन हमें तो पता है ये पॉजिटिव है है कैसे पता मैम आपको बेटा पहले लगी है और सेंट्रल जो काउंटर आयन है वो बाद में लगा हुआ है अगर स्फेयर पहले लगी है काउंटर आयन बाद में लगा है मतलब जो चीज पहले लिखी गई है वो पॉजिटिव है तो यहां पे है। और में हम एट वगैरह कुछ नहीं करते हैं तो सिंपल कोबाल्ट लिखा जाएगा कोबाल्ट इसका आप निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट और फिर आप लिखोगे NO2 वाला ग्रुप, करेक्ट, कैलकुलेट कर लेते हैं चलो कोबाल्ट को आपने मान लिया होगा एक्स है ना अमीन तो जीरो होता है तो डायरेक्टली जीरो लिख दे रही हूं सल्फेट माइनस टू होता है एनओ थ्री माइनस वन होता है इक्वल टू जीरो X यहां से प्लस का थ्री आ गया होगा सो रोमन नंबर्स में थ्री बोर्ड का क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर आ गया सबको समझ में टेट्रामीन सल्फेट कोबाल्ट थ्री नाइट्रेट वेरी गुड क्या बात एक है एकदम करेक्ट आंसर्स है वेरी गुड ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था आपका बोर्ड का करेक्ट आंसर विल बी टेट्रामीन अमीन सल्फेट ओ कोबाल्ट नाइट्रेट ठीक है दिस वन आई होप सो इट इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू क्लियर है ग्रेट 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 चलो नेक्स्ट के पी एन एच अगेन बोर्ड का क्वेश्चन है पोटेशियम लगाए पी टी एन एच थ्री सी एल थ्री ठीक है पोटेशियम लगा है पी टी सी एल थ्री और एन एच थ्री लगाए गए चेक पी टी एन एच थ्री फिर सी एल थ्री है चलो कोई नहीं पहले एन एच थ्री लिख लो फिर सी एल थ्री लिख लो नाउ दिस इज द क्वेश्चन हाँ चलो भाई जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में आंसर बता दो जल्दी-जल्दी चैट बॉक्स में आंसर बता दो वो एज अ लिगेंड बन जाता है बेटा तो यू कॉल इट एज अमाइन ए डबल एम आई एन ई दैट्स इट नथिंग डिफरेंट एज अ लिगेंड व्हेन इट इज बिहेविंग यू विल कॉल इट एज अमाइन पोटेशियम अमाइन टेट्रा क्लोराइडो प्लैटिनेट ओके 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 ठीक है ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर्स आई कैन सी ऑलराइट चलो सबसे पहले आप क्या लिखोगे अब जो पहले आप आयनिक एनाइनिक को सॉरी कैटाइनिक को लिखते हो फिर आप एनाइनिक को लिखते हो तो पहले पोटाशियम आ रहा है चलो भाई पोटेशियम लगा देते हैं पोटाशियम है ना करेक्ट पोटेशियम लगा दिया हमने अब लिगेंड कौन सा लिखे अमीन भी और क्लोरीन भी है सबको पता है यार अमीन जो है वो ए से स्टार्ट होता है पहले आएगा तो पोटाशियम अब अमीन लिखा जाएगा हमारा ठीक है अमीन में आई गेस कोई डाइट रहे तो नहीं था ना हाँ तो अमीन लिख दिया हमने नेक्स्ट हमें क्लोरीन लिखना है है ना क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो है वो क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोरो या क्लोराइडो लिख दो करेक्ट करेक्ट वेरी गुड क्लोराइडो अब प्लैटिनम लिखना है क्या लिख दे प्लैटिनम सोचो स्फेयर इस बार कैसी हो गई एनाइनिक नेगेटिव स्फेयर है और बस एक रूल लास्ट में लिखा हुआ था कि अगर स्फेयर नेगेटिव है तो आप सेंट्रल मेटल एटम में आपको सिंपली क्या करना है एट सफिक्स का यूज करना है अगर स्फेयर एनाइनिक है तो आपको सेंट्रल मेटल एटम में एट वर्ड का यूज कर लेना है दैट्स इट मतलब ये ये प्लैटिनम नहीं रहा ये हो गया platinate. साथ में आप लिखोगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो पोटेशियम को आपने प्लस वन लिखा होगा है ना प्लैटिनम को एक्स मान लिया जिसका निकालना है अमीन जीरो हो गया क्लोरीन माइनस थ्री हो गया जीरो ठीक है सो एक्स क्वल्स टू प्लस टू गया ना टू ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है ट्राई होगा कहाँ पे ट्राई होगा अच्छा 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 ओके 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 हाँ ट्राई क्लोराइडो तीन बार क्लोरीन लगा है ना ठीक है ठीक है करेक्ट कर लो ट्राई क्लोराइडो यहाँ पर लिख दे रही हूं ऐसे ठीक है ठीक है ये करेक्ट कर लो तीन बार क्लोरीन है अमीन तो सिंगल टाइम है अमीन में मत लगाना अमीन इज एन एच थ्री हाँ हाँ बेटा करेक्ट 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 राइट ट्राई क्लोराइडो लगा दो ट्राई क्लोराइडो क्लोरीन इज थ्री टाइम्स ध्यान नहीं दिया एक्चुअली अमीन नहीं थ्री टाइम्स लिखना क्योंकि अमीन एन ही होता है बाकी सब सही है इज दस थिंग क्लियर ग्रेट 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 टेट्रा नहीं होगा इट विल बी ट्राई ओनली कोई डाउट उसमें किसी को करेक्ट बिल्कुल बिल्कुल ऑर्गेनिक भी करा देंगे कोई दिक्कत नहीं है ग्रेट तो ये हो गया आपके प्रीवियस ईयर के दो क्वेश्चन यू नीड मोर क्वेश्चन ऑल राइट नो प्रॉब्लम और क्वेश्चन दे देती हूँ आपको प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन बता रही हूं ठीक है फिर से एक करो सी ओ एन एच थ्री होल सिक्स सी एल थ्री चलो ये ईजी है एक और ले लो कोई और ये वाला भी कर ही लिया आपने हाँ अभी है यार टाइम चलेगी थोड़ी देर और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बड़ा प्यारा सा इसका नाम लिख के दिखाओ मुझे सी ओ सी एल टू ई एन टू सी एल इसका क्वेश्चन इसका नाम मुझे लिख के दिखाओ भाई सब लोग डिफिकल्ट वन चलो आ गया डिफिकल्ट वन दिस वन इज क्वाइट डिफरेंट यू कैन से नॉट दैट डिफिकल्ट बट ऑफकोर्स डिफिकल्ट हाँ पूछो बेटा क्या डाउट है यू कैन आस डाउट्स जीरो होता है वैल्यू में कैसा नहीं अमीन है जीरो यस ई एम का यूज कब करते हैं जब भी कभी कोई आपका जो लिगेंड है वो पॉजिटिव है पॉजिटिव लिगेंड यूज हो गया नाइट्रोनियम नाइट्रोसोनियम पॉजिटिव लिगेंड है तो ई लगाते हो दैट्स इट ठीक है एंड पार्ट वेयर टू पुट बता दिया ना पॉजिटिव है तो लगाते हो पी होगा फोर पे पीछे वाले क्वेश्चन में नहीं टू आ रहा था फोर आ रहा था कि टू आ रहा था लेट मी सी माइनस वन माइनस वन प्लस वन ऑफकोर्स इट विल बी माइनस का टू सही तो है प्लस टू ही आएगा बेटा सही है इट्स वाइन माइनस वन प्लस थ्री इज माइनस टू और वहां जाएगा प्लस टू हो जाएगा क्लियर है क्या बात है आंसर्स भी आने लगे ग्रेट चलो भाई आंसर निकालते हैं इसका अब यहां पे सबसे पहले आपने देखना है कि नाम किसका लिखे क्योंकि यहां पे काउंटर आयन बाद में लिखा है तो उसको बाद में ही लिखना पड़ेगा पहले लिगेंड इथाइलिन डायमिन भी लिगेंड है क्लोरीन भी लिगेंड है मैम अगर सोचें तो ई e पहले आता है कि सी पहले आता है ऐसा करेंगे क्या यहां पर ऑफकोर्स सी पहले आता है तो डाइक्लोराइडो हो गया हमारे पास डायक्लोरो डायक्लोराइडो ठीक है मैम इथाइलिन डायमिन कैसे लिखे सोचो लिख दीजिए, है ना यही बोल रहे हो तुम लोग अरे क्या बात है बच्चे बड़े लिखे हैं। भाई तो आप बोलोगे बिस क्योंकि टू टाइम्स है ब्रैकेट में लिखा जाता है बेटा इथाइलीन जब आप बिस वर्ड का यूज करते हो तो बचे हुए वर्ड को आप ब्रैकेट में लिखना इथाइलीन डायमिन वेरी गुड ठीक है Di हो गया हमारा. और क्या से स्फेयर जो है वो पॉजिटिव है इस बार अगर पॉजिटिव स्फेयर होती है तो सेंट्रल मेटल आइटम में एट नहीं लगता वो जैसा है वैसे ही लिख दोगे आप तो आप लिख दोगे यहाँ पे कोबाल्ट कोबाल्टेट मत लिख देना गलत हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट और साथ में क्लोरीन क्या लिखे क्या मैं इसको क्लोरीन वेरी गुड आई कैन सी द लास्ट आंसर किसी ने बता दिया है क्लोराइड वेरी गुड क्लोराइड जब आप सेंट्रल मेटल एटम में क्लोरीन को लिखते हो तो आप आइड वर्ड का यूज करते हो इट इज क्लोराइड अच्छा निकाल लो क्या आ रहा है कोबाल्ट को आपने एक्स माना होगा क्लोरीन माइनस टू हो जाएगा इथाइलिन डायमिन जीरो होता है जीरो ठीक है न्यूट्रल होता है अभी अभी मैंने बताया था ये एक न्यूट्रल लिगेंड होता है ठीक है ये बायडेंटेट होता है बट न्यूट्रल होता है याद रखना क्लोरिन अगेन माइनस वन इक्वल्स टू जीरो एक्स इक्वल्स टू प्लस थ्री आ गया होगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना अभी अभी सिखाया था सेम होगा वेरी गुड वेरी गुड क्या बात है भाई दिस विल बी द फाइनल आंसर सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉर्मन क्लेचर बहुत सारे क्वेश्चन है आप ऑफकोर्स पीडीएफ खोलना आपको आपके बुक के क्वेश्चन मिल जाएंगे इस पीडीएफ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखिए भाई इतने सारे क्वेश्चन है यहाँ पे सो मेनी क्वेश्चन आर देर एक क्वेश्चन इस टाइप का और करा दे रही हूँ फॉर्मुल बेस्ड का बाकी अदरवाइज आगे आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी ठीक है चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया है आपको आंसर दिया है क्वेश्चन बताना एक तरीके से, अब इसका क्या मतलब है मैम ये इसमें आपको एक तरीके से आंसर दे दिया मतलब इतनी देर से जो आप नॉमन क्लेचर लिख रहे हो इस बार नॉमन क्लेचर गिवन है और आपको बताना है कि फॉर्मूला क्या बन के आएगा सो दिस टाइम यू हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ द गिवन नॉमन कंपाउंड ठीक है पोटेशियम ट्राई ऑक्सालेटो एल्यूमिनेट क्वेश्चन है पोटेशियम ट्राई ऑक्जोलेटो एल्यूमिनेट एक्सप्लेन वंस मोर जनरल वे टू नेम दी दॉमन जनरल वे टू नेम दॉमन क्लेचर पी आपको इनका टेलीग्राम ग्रुप है हाँ चलो पीडीएफ टेलीग्राम में भी सेंड कर देंगे लेकिन आपको बेसिकली एप आप डाउनलोड कर लो तो हर चैप्टर की पी मिल जाएगी एक्टली ठीक है आप ऐप डाउनलोड कर लो फ्री स्टडी मटेरियल आपको नोट्स पीडीएफ सब मिल जाएगी डोंट वरी ठीक है uh, फिजिकल केमिस्ट्री कल होगी जब थ्री टाइम्स लिखा होता है ई एन पे थ्री लगा होता तो ट्राइस वर्ड का यूज करते ठीक है यू कैन आस्क बेटा ओके okay, ओके okay. क्या बात है आई कैन सी सो मेनी राइट आंसर ऑल्सो हाँ हाँ बेटा पीडीएफ इज इन ज फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चार्ज नहीं है पीडीएफ का आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से ठीक है करेक्ट चलो भाई करते हैं क्वेश्चन को सो so, यहाँ पे पोटेशियम ट्राई ऑक्जा लेटो एल्यूमिनेट वट इज ऑक्टो लेटो ऑक्जा लेटो इज वेरी गुड वेरी गुड लेकिन ऑग्जा लेटो को आप ओ एक्स क्यों लिख रहे हो ओ एक्स तो आप नॉमन क्लेचर के टाइम पे लिखोगे ऑग्जा लेटो आप इसका फॉर्मुला लिखो ऑक्जा लेटो इज नथिंग बट सी टू ओ फोर हाँ तो आपको वो मैंशन करना पड़ेगा ऑक्सालेटो C2O4 सी टू ओ फोर कितने टाइम है थ्री टाइम है क्या हम्म ठीक चलो तो बेसिकली पीडीएफ कहाँ मिलेगी पीडीएफ ऐप आप, आप डाउनलोड कर लेना आपको उसमें फ्री मटेरियल क्लास ट्वेल्व ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर के नाम से एक एक

अब आप ये मत पूछना मैम आपको कैसे पता वो ब्रैकेट में लग रही है चीज ऑफ कोर्स पोटेशियम आगे लिखा तो ये पॉजिटिव आयनिक हो गया और अपनी स्फेयर नेगेटिव हो गई एल्यूमिनेट लगा ना एट तो सेंट्रल मेटल आइटम में एट लगा है, मतलब ये नेगेटिव स्फेयर हो गई ठीक है ना हाँ बेटा ट्राइस वाला थ्री था बिस वाला टू होता है ट्राइस वाला थ्री होता है टेट्राकाइस वाला फोर होता है ठीक है ग्रेट अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना यहां पे ना इतनी कहानी तो कोई दिक्कत नहीं होती है इतनी कहानी में तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती दिक्कत पता है कहाँ पे आती है कि यहाँ पे क्या लिखा जाएगा जैसे के फोर एफ ई सी एन सिक्स तो के एफ ई सी एन सिक्स तो भाई आपको लिखा लिखा दिख गया बट यहाँ पे ये कौन सी सब्सक्रिप्ट वैल्यू होगी ये आप निकालते हो इससे इस बार आपको एल्यूमिन का थ्री दिया है तो एल्यूमिनियम में आपको प्लस थ्री दिया हुआ है ऑग्जा लेट ऑफकोर्स आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है तो ज़ीरो हो गया तो यहाँ से एक्स इसको मान के थ्री निकाल लेना ठीक है तो K3 मतलब अब जो आप वैल्यू निकालोगे वो सब्सक्रिप्ट के लिए निकालोगे दिस विल बी द फाइनल आंसर इज द थिंग क्लियर ठीक है फोर तक ही आएगा बेटा आपके में नॉट रियली बट बेसिकली स्पेलिंग इतना यहां पे मिस्टेक नहीं करना क्योंकि द मेन थिंग हियर इज कि आपको नॉर्मन क्लेचर में सिर्फ नेम लिखना होता है ठीक है तो ये आप गलती नहीं करना चलो वेरी गुड स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ते हैं लास्ट वाले का दे का दे दीजिए। है, है। है, ये ए, वन वन मार्किंग में आया है। सल्फेट, सल्फेट, मतलब है और सिक्स टाइम है हेकसा है। आयरन लिख दिया हमने आयरन टू सल्फेट सल्फेट इज SO4। एस एस फोर ठीक है तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर ये सिर्फ और सिर्फ एक स्फेयर दी हुई है केवल आपको इसमें आपको देखो कहीं भी सेंट्रल मेटर वो काउंटर आयन नहीं गिवन है क्लियर है करेक्ट 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 क्या हो गया रहने दो ऑक्जा चार्ज इज माइनस टू तो माइनस टू ही लिखा है मैंने मेरे ख्याल से ऑक्जा कहाँ था अच्छा यहीं पे ओके ऑल राइट तो ये माइनस टू ही अच्छा मैंने माइनस टू शायद न्यूट्रल बोल दिया क्या हाइट इज माइनस टू माइनस टू इंटू थ्री किया होगा आपने ओके 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 हाँ माइनस टू इंटू थ्री किया होगा करेक्ट प्लस थ्री रखा होगा एलुमिनियम को और प्लस माइनस का टू इंटू थ्री किया होगा इक्वल्स टू जीरो सो प्लस थ्री और ऊपर एक्स होगा यहाँ पे प्लस थ्री माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो एक्स विल इक्वल्स टू प्लस का थ्री ठीक है करेक्ट 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 वो टू करेक्ट कर लेना सॉरी हाँ हाँ एग्जैक्टली इट विल बी टू नॉट न्यूट्रल इट विल बी टू ये आएगा ऐसे आएगा ऑक्सीजन स्टेट करेक्ट अभी बताओ कोई दिक्कत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए बाकी आपको कुछ चाहिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं ठीक है आई होप सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा आगे बढ़ते हैं मूविंग फॉरवर्ड ये होमवर्क क्वेश्चन है आप अपने आप से देख लेना चाहो तो यहीं पर नोट कर सकते हो सी आर एन एच थ्री होल फोर एच टू होल टू आई सी एल थ्री एंड ऑन सोन या आप ऑफकोर्स स्टडी मटीरियल से देख सकते हो चलो भाई हमारा फाइनली होता है सेकंड टॉपिक खत्म नॉमन क्लेचर की अगर और चीजें आपको समझनी है ऑफकोर्स हम पूरे चौबीस घंटे की क्लास नहीं कर सकते हैं तो अगर आपको नॉमन क्लेचर में और भी क्वेश्चन लगाने हैं यू कैन सिंपली चूज योर रेफरेंस बुक यू कैन डाउनलोड दी एफ इसमें पांच दस पंद्रह क्वेश्चन क्लेचर कंप्लीट होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि एक बज गया अफकोर्स आपकी दो घंटे की क्लास हो गई है खत्म बट अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लूंगी मैं और आपको चैप्टर कंप्लीट कराकर जाऊंगी मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट इज आइसोमेरिज्म रिएक्शन सारी करा दूंगी डोंट वरी आइसोमेरिज्म क्या होता है ऐसे कंपाउंड्स जिनका सेम मोलिकुलर फॉर्मुला होता है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है उन्हें आप बोलते हो आइसोमर्स कंपाउंड्स हैविंग सेम आइसोमर फॉर्मुला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मुला आर नोन एज आइसोमर्स इन क्लास ट्वेल्थ आपको एक एक्स्ट्रा फॉर्म पढ़ना होता है और वो क्या होता है कि शायद सेम मोलिकुलर फॉर्मुला और हो सकता है सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मुला भी हो उन्हें भी आप आइसोमरी बोलते हो एक्चुअली तो फिर मैम उन्हें क्यों आइसोमर बोलते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि उन कंपाउंड्स का स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स होते हैं आइसोमर्स होते क्या है दो या दो से ज्यादा कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स दो या दो से ज्यादा कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स जिनका सेम मोलिकुलर फॉर्मला होगा डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मला होगा हो सकता है स्ट्रक्चरल फॉर्मला सेम हो तो उनका स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होगा उन्हीं को आप बोलते हो आइसोमर दो कैटेगरी में आइसोमर्स डिफाइन होते हैं ठीक है डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं एक होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एक होते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फर्दर फाइव टाइप के होते हैं फोर टाइप के होते हैं सॉरी एक होता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बहुत ध्यान सुनना क्योंकि जो मैं बताऊंगी बस आप देखते ही आंसर बता दोगे क्या आएगा आइसोमेरिज्म दो टाइप के होंगे नंबर वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, नंबर टू इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आर फर्दर ऑफ फोर ज नंबर टू इज आइसोमेरिज्म नंबर थ्री इज आइनाइजेशन आइसोमेरिज्म नंबर इज एंड हाइड्रेट आइसोमेरिज्म ठीक है तो ये होते हैं चार टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नेक्स्ट आते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स फर्स्ट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सेकेंड इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्लियर है ऑलराइट राइट right. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इज आयनाइजेशन देखते ही कैसे बताओगे आप आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है ये जो टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं इनके इनको जब आप ब्रेक करोगे तो डिफरेंट आयंस मिलते हैं तो क्या मैम हम ब्रेक कर करके देखें बार बार नहीं आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा क्वेश्चन देखते ही वो कौन सा टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है अगर आपको ऐसे टाइप के आइसोमेरिज्म दिखते हैं तो उसमें लिगेंड की पोजिशन काउंटर आयन से एक्सचेंज होती है फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल सीओ एन एच थ्री होल फाइव ठीक है और दूसरा है सीओ एन एच थ्री होल फाइव एसओ फोर बी आर देखो दोनों का मोलिकुलर फॉर्मुला तो सेम आएगा नंबर ऑफ एटम्स एकदम सेम है देखते ही कैसे पता चल गया देखो जो पहले लिगेंड बना है वो दूसरे में काउंटर आयन बन गया और जो काउंटर आयन है वो लिगेंड बन गया ऐसे अगर आइसोमेरिज्म दिख जाए तो आप बोलोगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म व्हाई आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्यों रखा गया होगा सोचो अगर आपने इसको ब्रेक किया तो आपको पता है ये ब्रेक कैसे होगा ये वाला ब्रेक होगा इसमें सल्फेट आयन बाहर निकल जाएगा और ये तो भाई अपना नॉन आयनाइजेबल होगा तो एज इट इज रहेगा यहाँ पे ब्रोमीन आयन बाहर निकलेगा और ये नॉन आयनाइजेबल रहेगा इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जा चुका है एक टेस्ट बताइए जिससे आप इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि पहले तो आपको बताना होता है ये कौन सा आइसोमेरिज्म है फिर आपको बताना होता है आप इसको कोई टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर दो तो आप क्या करते हो आप इसमें कोई सोल्यूशन ले आते हो आप इसमें कोई बेरियम वगैरह का सोल्यूशन ले आते हो और इसको पास कराते हो दोनों टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट क्योंकि आयंस बाहर निकलते हैं तो आप बोलते हो कि ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है अगर आपने इसमें बी एस सी एल टू बेरियम क्लोराइड के आप सोल्यूशन ले आओ एक बार बेरियम क्लोराइड के सल्यूशन को इससे पास करा दो इस वाले आयन से इस पूरे कंपाउंड से तो आपको पता है, बी सल्फेट के प्रेसिपिटेट बाहर निकल जाते हैं अगर आपने इसी को इधर से पास कराया तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं बाहर निकलते हैं अब मैम ये टेस्ट में तो हम कंफ्यूज हो गए ये कैसे किया आपने वेरी सिंपल बेटा आप जो भी आयन को लेके आओगे देख लेना डिफरेंट डिफरेंट आयनाइजेशन वाल आयन आयन जो है वो बाहर निकलेंगे वेरी गुड ए जी एनओ थ्री यू कैन टेक कंसिडर यू कैन कंसिडर ए जी एनओ एज वेल कल करेक्टली एब्सोल्यूटली करेक्ट ठीक है तो यहाँ पे होगा क्या बेरियम सल्फेट बन जाएगा और यहाँ पे बेरियम सल्फेट नहीं बनेगा कैसे मैम आपको पता नहीं बनेगा क्योंकि उसमें सल्फेट तो भाई लिगेंड की तरह लगा है बेचारा वो बाहर ही नहीं निकल सकता तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें

कैटायन में भी और एनायन जब कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे मतलब दोनों ही स्क्वायर ब्रैकेट में होंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है कॉर्डिनेशन आइसोमेरिज्म देखते ही लिगेंड अटैच होगा मेटल आयन से वो इंटरचेंज हो जाएगा ठीक है चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो पहले लिगेंड ई एन था और सी एन फिर कोबाल्ट के साथ सी एन लग गया और सी आर के साथ ई एन लग गया लिगेंड स्वैप कर गए लिगेंड इंटरचेंज कर गए या तो ये समझ लो और या तो समझ लो यार दो कॉर्डिनेशन स्फेयर बनी होगी डायरेक्टली बता दोगे कॉर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है चलो लिंकेज आइसोमेरिज्म नाम समझ में आ रहा है लिंक ऐसे आइसोमेरिज्म जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लिंक हो पाएंगे उन्हें आप बोलते हो लिंकेज आइसोमेरिज्म जनरली ये एम्बिडेंटेड लिगेंड से ही बनते हैं क्या मतलब है मैम इसका सोचो अगर किसी कंपाउंड में ओ एन ओ मतलब नाइट्रो ग्रुप में ओ वाला ग्रुप मेटल एटम को डोनेट कर रहा है ऑफ कोर्स इसमें दो डोनर साइड होती है अगर ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है और दूसरे वही कंपाउंड में नाइट्रोजन डोनेट कर रहे है। तो आप बोलोगे ये तो लिंक अलग-अलग तरीके से हुआ है, वरना आंसर तो सेम आता तो इन्हें आप बोलते हो लिंकेज आइसोमेरिज्म समझिए ये देखो ऑक्सीजन जो है यहां पे लिंक है कोबाल्ट को ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है लोन पेर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहां पे नाइट्रोजन दे रहा है तो आप इसको बोलते हो लिंक अलग अलग तरीके से हुआ से लगा है यहां पे उसकी वजह से डोन एटम अटैच टू अटल बायोर्डिनेट बॉन्ड इज डिफरेंट लिंकेज है बता दिया एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के साथ होता है forward, यार, नाम से समझ में आ रहा है हाइड्रेट हाइड्रेट मतलब कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा है कुछ ठीक है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होता है यू कैन आस्क योर डाउट ऑल्सो ठीक है ठीक है चलो अच्छा सो आई एम सेइंग अबाउट हाइड्रेट आइसोमेरिजम सोल्वेट आइसोमेजम भी ये जाना जाता है व्हाट इज हाइड्रेट हाइड्रेट मतलब भाई पानी तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का मतलब होता है यहां पे वाटर मॉलिक्यूल का कुछ डिफरेंस होगा इधर उधर होने वाला है अब जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका क्योंकि लिंक डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होगा तो आप उन्हें बोलते हो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म अभी आपने एक एग्जाम्पल भी देखा था जिसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो भी हो रहा था होता क्या है इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन दी कॉर्डिनेशन स्फ़ेयर एंड आउटर स्फेयर जितने भी लिगेंड लगे होंगे वॉटर मॉलिक्यूल के उसके डिफरेंस की वजह से जो लिंक होगा उसके डिफरेंस की वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होगा जो आइसोमर बनेगा उसे आप बोलोगे हाइड्रेट या फिर सोलवेट आइसुमर एज यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल यहाँ पे सिक्स वाटर मोलिक्यूल है यहाँ पे पांच है और एक बाहर आ गया यहां पे दो बाहर आ गए वाटर मॉलिक्यूल और फोर के फोर लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं तो यहां पे ये हो गया हाइड्रेट आइसोमेरिज्म चलो पांचों टाइप चारों टाइप के आइसोमेरिज्म वापस से समझते हैं नंबर वन वॉज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म ऐसे आइसोमेरिज्म जिनमें आयंस हैं और डिफरेंट डिफरेंट है मतलब एक बार कोई काउंटर आयन बन गया तो दूसरी बार वो लिगेंड बन गया आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म सेकंड इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ऐसे आइसोमेरिज्म जिसमें स्वैप हो जाएगी लिंक जो अपने

ऐसे आइसोमेरिज्म जिनकी स्पेशियल अरेंजमेंट में डिफरेंस आता है उन्हें आप स्टीरियो आइसोमेजम में बोलते हो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिजम में दो टाइप के एग्जांपल्स आएंगे एक होता है आपका सिस एक होता है ट्रांस सिस और ट्रांस क्या होते हैं इलेवन से पढ़ते आ रहे हो सिस वो होंगे जिसमें दोनों लिगेंड्स जो है वो सेम साइड लगे होंगे और ट्रांस जिसमें ऑपोजिट साइड लगे होंगे आई गेस ये चार्ट दिख रहा है द एग्जाम्पल इज क्लोरीन और क्लोरीन एक साइड लगे हैं क्या बोलोगे सिस आइसोमेरिज्म और अगर ऑपोजिट साइड लग गए

ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म होते हैं डी एंड आइसोमेरिज्मीएल इवनिंग में करा देंगे बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म वो isomerism होते हैं जो नॉन सुपर मिरर इमेजेस बनाते हैं एक दूसरे की व्हाट इज नॉन मिरर इमेजेस अगर मैं इस हाथ को लेके इस हाथ के ऊपर रख दूंगी सपोज तो यहां पे एक नॉन सुपर इंपोजिबल इमेज बन गई जो थम है वो कॉर्नर से दिख रहा है ऐसे पलट के नहीं रखा मैंने ऐसे उठाया और एक दूसरे के ऊपर रख दिया तो यहां पे नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज बन गई मतलब पहली इमेज तरीके से ढक नहीं पाई दूसरे हाथ को दैट इज नॉन सुपर इंपोजिबल इमेजेस नॉन सुपर आइसोमेरिज्म बोलते हो ठीक है ये chiral carbon में होता है केवल जल्दी से बता दो तो भाई कार्बन क्या होता है यहां पे एक कायरल कार्बन प्रेजेंट होना जरूरी है कायरल कार्बन है तभी वो बनाता है नॉन सुपर इंपॉसिबल मिररर इमेज ऑफ इच अदर ठीक है क्लियर है कार्बन कार्बन विथ फोर डिफरेंट वेरी गुड कार्बन विथ फोर डिफरेंट ग्रुप सपोज ये एक कार्बन है इससे मैंने ए बी सी डी लगा दिया दूसरा कार्बन है इससे मैंने ए डी सी बी लगा दिया अब अगर मैं इसकी एक मिरर इमेज देखूं, इसको उठा के अगर मैं इस कार्बन के ऊपर रख दूं, तो इसका जो डी है वो बी के पास आ जाएगा और जो डी है वो यहाँ पे बी के साइड आ जाएगा मतलब ये नॉन सुपर इम्पोज करेंगे बना देंगे। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को आप बोलते हो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आइसोमल आइसोमेरिज्म है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ये था आइसोमेरिज्म के बारे में प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है यहाँ पे तीन नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री जिसने सबसे पहले तीनों का करेक्ट आंसर बता दिया आपको बताना है कौन से टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है उसका नाम मैं स्क्रीन पर लिख दूंगी सबसे पहले भाई कौन बताएगा इतना सब याद कैसे रखेंगे ऑफ कोर्स याद हो जाएगा इतना डिफिकल्ट है नहीं ये व्हाइट चार्ट वाली प्रॉपर्टी विजिबल नहीं है कोई बात नहीं बेटा व्हाइट चार्ट में क्या लिखा था कुछ नहीं वो सिर्फ वो सिर्फ आइसोमेरिज्म को डिफाइन किया हुआ है नॉन सुपर इंपोजिबल इमेजेस वगैरह ठीक है आयनाइजेशन है फर्स्ट वाला इसके क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं इजी इजी से आई गेस तीनों आंसर्स एक साथ किसी ने लिखे सब किश्तों में आंसर दे रहे हो एक एक करके एक साथ तीनों लिखने थे आयनाइजेशन लिंकेज और कॉर्डिनेशन इसने बताया रूनित चलो चेक करते हैं लेट्स चेक इट आउट फर्स्ट वाले में देखो यहाँ पे क्लोरीन अंदर है और क्लोरीन है यहाँ पे क्लोरीन और नाइट्रो है मतलब एक बार नाइट्रो एज अ लिगेंड बन गया और एक बार नाइट्रो बाहर आ गया आइसोमेरिज्म हो गए आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म सेकेंड में देखते हैं देखते ही समझ गया भाई एस सी एन लगा और एनसीएस लगा हुआ है लिंक अलग अलग तरीके से लिंकेज आइसोमेरिज्म नेक्स्ट में देखो तो भाई दो कोऑर्डिनेशन फेयर बन गई कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म देखते ही आपको समझ जाना है कौन से टाइप का ये आइसोमेरिज्म है ठीक है चलो ग्रेट हाँ राइट 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 करेक्ट आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है व्हाट विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज दिस एंड दिस देखो बेरियम लगा सॉरी <coughs> ब्रोमीन और सल्फेट सल्फेट और ब्रोमीन की पोजिशन डिफरेंट है दिस इज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म गिव अ केमिकल टेस्ट टू मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये प्रीवियस ईयर में प्रीवियस इन द सेंस 2020 समथिंग आया था केमिकल टेस्ट बताना है ताकि आप इसको डिस्टिंग्विश कर पाओ कर लोगे बेरियम क्लोराइड ले आना एक बार ये प्रेसिपिटेट बनाएगा एक बार ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा तो वो टेस्ट हो गया जिससे आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो मूविंग फॉरवर्ड विद द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी चलो दो टॉपिक बचे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं ठीक है आयनाइजेशन भी कंप्लीट हो गया नेक्स्ट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अगर क्वेश्चन आ गया बेटा तो दो से तीन नंबर से कम का नहीं आएगा ज्यादा हो जाएगा पर कम नहीं होगा ठीक है करेक्ट वाइट प्रेसिपिटेट देगा बेडियम क्लोराइड के साथ वेरी गुड करेक्ट ऑल राइट अब बीस तीस मिनट का और टॉपिक बचाए कंप्लीट कर लेते हैं फिर जाएंगे चैप्टर कंप्लीट करके लेट्स टेका ब्रेक ऑफ फाइव मिनट्स ठीक है लेट्स टेक ब्रेक ऑफ फाइव मिनट्स फाइव मिनट्स और टू थ्री मिनट्स एक से All right, लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक नेक्स्ट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी (VBT). Class टी क्लास इलेवंथ में पढ़ के आए हो आप बट फिर भी थोड़ा डिटेल में समझो इसको क्या होता है क्या नहीं नाउ अंडरस्टैंड वेन आई इस VBT, बी टी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एज आई टोल्ड यू क्वेश्चन आएगा बढ़िया नंबर का आएगा और अगर क्वेश्चन आ गया तो आप मतलब ये सेक्शन बी सी में ये क्वेश्चन आएगा इसका ठीक है बट क्वेश्चन जब आता है तो इस क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं कुछ मेजर मिस्टेक करके आते हैं कुछ माइनर मिस्टेक करके आते हैं मैं सारी टाइप की मिस्टेक भी आपको समझा दूंगी और समझा दूंगी क्या सही है क्या गलत है इसमें पहले समझ लेते हैं यार ये वी क्या होता है कैसा होता है ये वो थ्योरी है जो डिस्क्राइब करती है केमिकल बॉन्डिंग के बारे में एक ऐसी थ्योरी जो केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बताती है एक्चुअली अगर आप इलेवंथ में पढ़ोगे तो इसकी थ्योरिटिकल कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है बट यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अकॉर्डिंग समझना है

अनपेयर इलेक्ट्रॉन आर शेयर धीरे कर दोस्तों अनपेयर इलेक्ट्रॉन आर शेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाएंगे और तभी जाके बनता है हाइब्रिड और बाइटल क्लियर है क्लियर है जोमेट्रिकल लिंकेज आइसोमिजम ठीक है ऑल राइट right. सपोज़ एक हाइड्रोजन को दूसरे हाइड्रोजन से एड है तो एक हाइड्रोजन के पास के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम होती है उस जगह को आप बोलते हो ऑर्बिटल तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में मिलकर बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड आई होप क्लियर अभी आगे समझते हैं वीबीटी में आपको क्या पढ़ना है अब पहले आपको यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं उसको ध्यान से देख लो तीन टाइप के लिगेंड होते हैं या तो स्ट्रांग लिगेंड होंगे या तो एवरेज लिगेंड होंगे या तो वीक लिगेंड होंगे जनरली एवरेज लिगेंड से आपको कोई लेना देना नहीं होता है आप स्ट्रॉग और वीक लिगेंड समझ लीजिए स्ट्रांग लिगेंड जब भी होंगे कैसे होते हैं स्ट्रॉग लिगेंड स्ट्रांग लिगेंड होते हैं आपके कार्बन वाले नाइट्रोजन वाले फॉस्फोरस वाले और वीक लिगेंड होते हैं आपके सल्फर वाले सल्फाइड वाले ठीक है हेलोजन वाले होंगे ऑक्सीजन वाले होंगे ठीक है तो ये सारे के सारे कार्बन ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन होगा या नाइट्रोजन होगा या फिर फॉस्फोरस होगा ऐसे कंपाउंड्स ऐसे लिगेंड्स को आप बोलोगे ये हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स ठीक है वेयर आस अगर सल्फर वाले कंपाउंड्स हैं हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स हैं ऑक्सीजन वाले कंपाउंड्स हैं ऐसे कंपाउंड्स को आप बोलते हो वीक फील्ड लिगेंड्स अब इन दोनों से क्या मतलब है हमें समझना ध्यान से स्ट्रोंग लिगेंड्स अगर प्रेजेंट है तो अगर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देंगे स्ट्रोंग लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कराते हैं तो वीक लिगेंड क्या करते हैं ये जो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो उन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कभी भी नहीं कराते हैं इसका क्या मतलब है मैम ये कैसे यूज़ करना है कहाँ लगेगा अभी मैं इसके बारे में आपको समझाती हूँ फिर से पहले समझ लो एक होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट्स एक होते हैं वीक फील्ड लिगेंट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट वो लिगेंट होते हैं जो ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग होंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देंगे कौन से लिगेंट्स होते हैं जैसे कार्बन वाले नाइट्रोजन वाले फॉस्फोरस वाले ये सारे लिगेंट्स जो होते हैं अपने ये स्ट्रॉग लिगेंट्स की तरह होते हैं वेयर एज वीक लिगेंट्स हमारे वो लिगेंट्स होते हैं जिनमें पेयरिंग नहीं होती है जो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कभी भी नहीं कराएंगे उन्हें आप बोलते हो वीक फील्ड नेग्लिगेंट ठीक है जस्ट गिव मी अ सेकेंड हेलो ठीक है करेक्ट करेक्ट हाँ यू कैन से दैट यू कैन लर्न द स्ट्रॉन्ग वन ऑल्सो ठीक है अच्छा एक चीज और सुन लो जैसे सीएन हो गया साइनाइट साइनाइट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैसे पता क्योंकि उसमें कार्बन और नाइट्रोजन वाला ग्रुप है अकेला कार्बन भी स्ट्रॉन्ग में होता है नाइट्रोजन भी स्ट्रांग में होता है तो अगर कार्बन नाइट्रोजन दोनों वाले लिगेंड आ गए तो ऑफकोर्स इट इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो फिर वीक फील्ड लिगेंड कैसा होता है वीक फील्ड लिगेंड होता है जैसे कि आपका ये वाले हो गए कार्बन मोनोऑक्साइड सी ऑक्सीजन सॉरी कार्बन ऑक्सीजन है वो भी स्ट्रॉग होगा जैसे फ्लोरीन क्लोरीन हैलोजन वाले जो आपके हो गए यहाँ पे मैंने लिख दिया ये हेलोजन है दिस इज हैलोजन नॉट हाइड्रोजन इट इज हैलोजन ठीक है तो ऐसे वाले लिगेंड्स को आप बोलते हो वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड ठीक है अगर एस सी एन आ गया तो जनरली ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह देखा जाता है ठीक है वीक लिगेंड की तरह ठीक है ईडीटी वगैरह जनरली ये सब वीक लेगेंड की तरह होते हैं अब वीक और स्ट्रॉग लेगेंड के बारे में बताएंगे फिलहाल आपको आगे समझना है कॉर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और उसका अरेंजमेंट क्या होगा पहले हाइब्रिडाइजेशन समझो क्या होता है बहुत लोगों को तो यही नहीं पता वट इज हाइब्रिडाइजेशन इलेवंथ में आपने पढ़ा होगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है अगर ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर जाएंगी मिक्स कर जाएंगी ठीक है और वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल बना लेंगे जिसमें एक पर्टिकुलर बना लेंगे जिसमें हर एक ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल सेम होगा मतलब क्या है इसका सपोज मैंने बोला एक एस ऑर्बिटल और तीन पी ऑर्बिटल मिक्स हो गए आपस में हमने इसको इंटरमिक्स कर दिया इंटरमिक्स कर दिया तो ये एक न्यू ऑर्बिटल फॉर्म करेगा जो कि हो जाएगा sp3 आपने एक s लिया और तीन पी ले लिया इसको आपने इंटरमिक्स कर दिया तो पता है ये एस पी थ्री ऐसे बन जाएगा वन टू थ्री मतलब एक एस और तीन पी आपस में मिलके एस पी थ्री बन गए जिनमें सबकी एनर्जी लेवल सेम हो जाएगी सबकी एनर्जी लेवल कैसे हो जाएगी सेम हो जाएगी वापस समझिए सपोज मैंने बोला आ, एक और एग्जाम्पल एक एस ले लिया तीन पी ले लिया और डी दो ले लिए सपोज या पांच ले लिया कोई भी ले लिया इसमें मैंने एस को पी को और दो डी को मिला दिया मैंने बोला इनको मिक्स कर दो तो आप बोलोगे मैम एस पी थ्री डी टू बन गया

तो दो टाइप के शेप या उसको आप ज्योमेट्री बोल सकते हो पॉसिबल होता है और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है तो केवल एक टाइप का शेप या जेमेट्री होता है क्या मतलब है इसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर फोर आ गया तो या तो उस कंपाउंड का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा या तो स्क्वायर प्लेनर होगा स्क्वायर प्लेनर होगा ठीक है ये दो टाइप का होता है समझो अगर ऐसे समझो आप अगर कोऑर्डिनेशन नंबर फोर है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है फोर तो दो चीजें पॉसिबल हैं या तो या तो एस थ्री आएगा या तो एस थ्री आएगा SP3। और या तो डी एस टू आएगा अगर एसपी थ्री आ रही है हाइब्रिडाइजेशन तो आप बोलोगे टेट्राडियल नोट करते जाओ क्वेश्चन के साथ समझा दूंगी अभी अगर हाइब्रिडाइजेशन एस थ्री आ गई तो आप बोलोगे वो टेट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है कैसा कॉम्प्लेक्स है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है अगर फोर में डी एसपी टू आ गई हाइब्रिडाइजेशन आप बोलोगे स्क्वायर प्लेनर है चलो वापस समझते हैं एसपी थ्री आ गया मैम कैसे पता चलेगा क्या आ रहा है अरे क्वेश्चन करोगे तो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ जाएगा आपने अगर एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन निकाली तो आप बोलोगे वो जेमेट्री जेमेट्री लिखी है मैंने और ये हाइब्रिडाइजेशन लिखा हुआ है ठीक है अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गई तो आप बोलते हो टेट्राहेड्रल है अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 आ गई तो आप बोलते हो स्क्वायर प्लेनर है ठीक है आप शेप चाहो तो देख सकते हो शेप बनाने को नहीं आता आपके में ठीक है टेट्राहेड्रल ऑफ कोर्स कुछ ऐसा दिखता होगा ठीक है एक कार्बन यहां पे तीन बॉन्ड ऐसे बनाया हुआ है एक बॉन्ड ऊपर बनाया हुआ है और अगर इसी कार्बन ने ऐसे बॉन्ड बना लिया ये कार्बन है एक यहां बॉन्ड एक यहां एक यहां एक यहां तो आप इसको बोलोगे ये स्क्वायर प्लेनर है स्क्वायर जैसा दिखेगा डीएसपी टू और एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन अच्छा ये तो हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर फोर के लिए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है अगर यही कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है तो भी दो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है एक होगा एस पी थ्री डी टू और एक होगा डी टू एस पी थ्री देखो छाइटल मिल रही हैं दो दो डी है एक एस है और वन टू थ्री पी है सिक्स आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर एक एस है तीन पी है और दो डी है सिक्स आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर इस टाइम पे एक अच्छी चीज है कि भाई दोनों को ही आप ऑक्टाहेड्रल बोलोगे दोनों को ही आप बोलते हो ऑक्टाहेड्रल मतलब इसकी जेमेट्री एक ही रहने वाली है चाहे आप d2sp3 निकालो चाहे sp3d2 निकालो ये हमेशा सेम रहेगा इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीबॉडी हाँ टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर और यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल रहेगा फिर से बताती हूँ मैं वापस से अगर d2sp3 आ गया या sp3d2 आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो दो टाइप की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है एक को आप बोलते हो डी टू एस पी थ्री एक होता है एस पी थ्री डी टू कैसे निकलता भी बता देंगे ऑक्टाहेड्रल रहेगा ये इसी की जगह अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर फोर वाले एलिमेंट्स कंपाउंड्स आ गए तो उस टाइम पे दो टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होगी या तो एस पी थ्री या तो डी एस पी टू देखो चार चार है फोर और फोर एस पी थ्री या फिर डी एस पी टू अगर sp3 आ गया तो बोलोगे टेट्राहेड्रल है उसकी ज्योमेट्री और अगर डी टू एस पी आ गया तो आप बोलोगे स्क्वायर प्लेनर है लेट्स मूव ऑन टू द अनदर थिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस दो टाइप के होंगे आप सुनते जाओ लिखते जाओ क्वेश्चन आने वाले हैं या तो इनर ऑर्बिटल, बाइटल या तो आउटर ऑर्बिटल। बाइटल मैम ये इनर और आउटर ऑर्बिटल बाइटल क्या होता है सोच रहे हो ना? देखो अगर D2 sp3 आ जाए तो आप बोलते हो इनर ऑर्बिटल। बाइटल अगर sp3 D2 आ जाए तो आप बोलते हो आउटर ऑर्बिटल। बाइटल अगर d पे गया लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब सॉरी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन D वाले पे जा रहा है तो तो आप बोलोगे इनर इनर अगर अगर मैंने बोला बेटा बताओ है है आउटर तो अगर D पे गया इलेक्ट्रॉन पहले तो आप बोलोगे इनर बाइटल और अगर एस पे गया तो आप बोलोगे आउटर यहां हाइब्रिडाइजेशन का यूज करते हैं थ्री डी सीरीज का और यहां पे फोर डी सीरीज का यूज करते हैं अफकोर्स थ्री डी पहले आता है तो इसलिए वहां पे इनर और बाइटल बोला जाता है नहीं समझ में आ रहा है लर्न कर लो इसको कोई दिक्कत नहीं है हाइब्रिडाइजेशन बता दिया मैंने आपको डी टू एसपी थ्री के लिए वो वाला यूज होगा एसपी थ्री डी टू के लिए ये वाला यूज होगा स्पिन पेयर हो जाएंगे यहां पे स्पिन इसकी फ्री रहेगी याद कर लो इसको आप बोलते हो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस अगर इलेक्ट्रॉन डी में पहले चला गया डी टू एस पी थ्री आ गया तो ऑक्टाहाइड्रल हो गया और उसकी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गई इनर और बाइटल है कैसा है इनर और बाइटल है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आ गई इनर और बाइटल है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आ गई ऑल राइट पॉइंट टू रिमेंबर कुछ पॉइंट्स यहां पे लिखे उनको लर्न कर लेना सो so दैट आपको क्लियर हो जाएंगी बाकी की चीजें नंबर वन अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी है तो आप आइनिक स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे मतलब मैम मतलब अगर आपको सपोज uh, कोबाल्ट है क्वेश्चन में कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे फिर अगर कोबाल्ट प्लस टू है तो कोबाल्ट प्लस टू की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखोगे जिससे आप वीबीटी करते हो मतलब आपको आइनिक स्टेट uh, में लिखना है किसी भी चीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन सेंट्रल मेटल आइटम की स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग मैंने आपको बता दिया होगी और अगर वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी लिगेंड आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के देगा हमेशा दो टाइप के मूवमेंट होते हैं एक होता है पैरामैग्नेटिक एक होता है डाया पैरामैग्नेटिक पैरा मूवमेंट का मतलब है कि पेयरिंग नहीं हुई है और अगर डाया है तो आप बोलते हो मतलब पेयरिंग हुई है पेयरिंग हुई है तो डाया नहीं हुई है तो

अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखो आपको थोड़ा थोड़ा बोरिंग लगना स्टार्ट हो गया होगा अफकोर्स टाइम ज्यादा होता जा रहा है बट ये बट बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है इसके क्वेश्चन लगा के ही जाना छोड़ के मत जाना स्किप करके बिल्कुल भी मत जाना एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते जाओगे आपको मैग्नेटिक मोमेंट मिलता जाएगा इसकी यूनिट होती है बी एम विच इज नोन एज बोर मैग्नेटॉन तो आप जब भी आंसर निकालना मेक श्योर sure आप यूनिट लगा के आए अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं किसी में तो मैम तो डायरेक्टली म्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी मतलब कोई ऐसा है? क्वेश्चन जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए तो बैठ के क्वेश्चन में वैल्यू मत निकालना ऑफ कोर्स वो जीरो हो जाएगा क्योंकि एन जीरो अगर एन की वैल्यू वन आती है तो ज्यादातर मैग्नेटिक मूवमेंट देखो अगर आपके पास टाइम नहीं बचा है जल्दी करना है तो एक ट्रिक याद रखना अगर एन की वैल्यू वन आती है तो आंसर होता है वन पॉइंट सेवन फाइव अगर टू आती है तो टू पॉइंट सेवन फाइव थ्री आएगी तो थ्री पॉइंट सेवन फाइव एंड सो ऑन सोन हो जाएगा अगर सेंट्रल मेटल एटम 4d और 5d सीरीज का है तो पेयरिंग हमेशा होती है लगभग लगभग ठीक है इस तरीके से आप कर लेना यहां पे ये लिखा हुआ है म्यू की वैल्यू लिखी हुई है यूनिट लिखी हुई है ये सारे पॉइंट्स थे अब सीधा क्वेश्चन से समझते हैं हर चीज का मतलब क्वेश्चन नंबर वन एक ही क्वेश्चन में हर चीज आपको बतानी है आपको बताना है हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी आपको बताना है स्ट्रक्चर uh, क्या आएगा स्ट्रक्चर मतलब जेमेट्री या शेप आप बोल सकते हो ठीक है शेप या जेमेट्री फिर आपको बताना है मैग्नेटिक मोमेंट क्या निकल के आएगा आपको बताना है मैग्नेटिक कैरेक्टर मैग्नेटिक कैरेक्टर या मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब होता है वो पैरा मैग्नेटिक है डाय मैग्नेटिक uh, है ठीक है ये निकाल लेना और राइट right, इतनी चीजें निकाल के बताओ भाई फर्स्ट वाले का आंसर बताओ करेक्ट करेक्ट बताइए भाई क्या आंसर आएगा पहले वाले का एन आई एच टू ओ होल सिक्स इज द क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं दिख रहा है इट इज एन आई एच टू होल सिक्स लिख दू क्या एन आई एच टू ओ होल्स दिस इज द क्वेश्चन एंड यू है आपको स्पिन भी बताना है यू ऑल्सो नीड टू टेल मी द स्पिन हाई स्पिन या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसा कॉम्प्लेक्स है ये चलो भाई ये सारे आपको क्वेश्चन का आंसर देना है ठीक है ठीक है आई कैन सी सो मेनी राइट आंसर चलो देखते हैं पहले सुनो कॉर्डिनेशन नंबर देख लो कॉर्डिनेशन नंबर सिक्स है यहां पे देख लो पूरे पे अच्छा प्लस टू भी लगाए प्लस टू लगाए कॉर्डिनेशन नंबर निकाल लोगे सिक्स आएगा सिक्स कॉर्डिनेशन नंबर मतलब कि मैम जेमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल हो गई फॉर श्योर sure. एक ही तो जेमेट्री होती है सिक्स कॉर्डिनेशन नंबर की ऑक्टाहेड्रल हो गया ठीक है अब बाकी सारी चीजें देखते हैं निकेल इसमें आपको निकेल का निकालना है पहले ऑक्सीडेशन नंबर अब देखो ये कैसे करते हैं वीबीटी सुनना ध्यान से निकेल एच टू ओ सिक्स लिखा है निकेल एच टू ओ सिक्स और पूरे पे लगा हुआ है प्लस टू अब बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना निकेल का आप पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो ठीक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सबको आता है कोई ऐसा तो नहीं है जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता है नहीं आता है, तो देखो आप वाउस प्रिंसिपल लगा देना वन एस टू एस टू पी थ्री एस थ्री पी थ्री डी फोर एस फोर पी फोर डी फोर एफ फाइव एस एंड सोन तो इस ऑर्डर में आप चलते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इस ऑर्डर में करते हो पहले वन एस वन एस में इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर टू एस में जाएगा फिर टू पी फिर थ्री एस फिर थ्री पी फिर फोर एस फिर थ्री डी फोर पी फाइव एस एंड ठीक है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कुछ ऐसे होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 एंड सो ऑन सो ऑन इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन करते हो मैं इसको चलो लिखा लेने देती हूं फिलहाल निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन अब आप क्योंकि बच्चे नहीं हो छोटे से आप डायरेक्टली डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखोगे पहले आर्गन लगा दो भाई निकल का अटोमिक नंबर कितना होता है हाँ एग्जैक्टली exactly. तो यहाँ पे निकल का अटोमिक नंबर कितना होता है इट इज ट्वेंटी एट इट इज ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कर दो आर्गन लिख दिया मतलब 18 इलेक्ट्रॉन हमने भेज दिए सिंपल नोबल गैस लगा दी एटीन इलेक्ट्रॉन हमारे चले गए मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट 18 इलेक्ट्रॉन हो गए फिर आता थ्री 3d और फोर 18 और 2 20 हो गए 20 के बाद यहाँ पे आठ इलेक्ट्रॉन जाएंगे अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना आपने निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी

दो इलेक्ट्रॉन बाहर कहां से निकलेंगे बस यही सबसे मेन काम है यहां पे। इलेक्ट्रॉन बाहर भी पहले एस ऑर्बिटल से निकलता है इलेक्ट्रॉन जाता भी पहले एस ऑर्बिटल में मेक श्योर यू रिमेंबर दिस इलेक्ट्रॉन बाहर भी पहले एस से निकलेगा और अगर भेजते हम तो अंदर भी पहले एस पे ही जाता अगर मैम तीन इलेक्ट्रॉन निकालने होते तो तो आप क्या करती तब एस तो पे दो ही इलेक्ट्रॉन है कोई दिक्कत नहीं पहले दो इलेक्ट्रॉन एस से निकालते एक इलेक्ट्रॉन डी से निकालते चार इलेक्ट्रॉन निकालना होता तो दो इलेक्ट्रॉन एस से निकालते दो इलेक्ट्रॉन डी से निकालते पहले एस से निकालो फिर भले ही आप डी से इलेक्ट्रॉन निकाल दो इट डजेंट मैटर तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे आर्गन थ्री डी एट और 4s में आप कुछ नहीं बचा यानी कि जीरो हो गया अब बात को ध्यान समझो 4s के बाद क्या आता है मैम आपने 4s तक कर लिया ठीक है 3d आपने कर ही लिया तो आगे आएगा 4p 4p भी हमारे पास खाली है अब मैम ये आपने क्यों लिखा 4p की जरूरत क्या थी जरूरत थी क्यों क्योंकि यहां पे करना क्या है आपको एक्चुअली ना आगे के काम समझो आपको करना क्या आपको डी और को ड्रॉ करना है वन टू थ्री फोर डी में कितने इलेक्ट्रॉन है एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है एट इलेक्ट्रॉन भेज दिए आप सुनना ध्यान से ये सब कर क्यों रहे हैं ये पूरी कहानी है क्या एक्चुअली आपको लिगेंड को अंदर भेजना है छह वाटर के जो मोलिक्यूल है ना उनको अंदर भेजना है तो कैसे भेजोगे जगह देखो कितनी है हमारे पास फोर एस और है ओके हमारे पास फोर पी और बाइटल खाली है और जगह बची तो आगे फाइव एस भी है फोर डी भी है बहुत सारी और बाइटल खाली है इसमें हमको लिगेंड भेजना है पहले बताओ ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड और अ वीक फील्ड लिगेंड वॉटर इज अ अ अ फील्ड फील्ड लिगेंड लिगेंड और वीक वीक इज फील्ड लिगेंड तो यहाँ पे वीक है मतलब यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी नो पेयरिंग विल टेक प्लेस अगर मैम पेयरिंग होती तो आप क्या करती तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेज देती बट पेयरिंग नहीं होगी मतलब जो आपने क्वेश्चन लिखा है बस ऐसे ही लिखा रहें अब लिगेंड को अंदर भेजो टोटल सिक्स लिगेंड है हमारे पास है ना सो so, एक लिगेंड यहां जाएगा दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सिक्स छह लिगेंड हमारे पास अंदर जा सकते हैं यानी कि हमने किस ऑर्बिटल से फिल करना स्टार्ट किया डी से या एस से अब सुनो आपको लिगेंड भेजना है लिगेंड लाता क्या है लिगेंड लाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑफ कोर्स ये तो मैम एस से स्टार्ट होगा क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां कहां आ पाएंगे तो ऑलरेडी एक एक इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहला वाला दूसरा तीसरा चौथा अब देखो जगह नहीं बची आगे डी ऑर बाइटल हमारे पास खाली है हमें टेंशन नहीं लेनी है दूसरी डी ऑर बाइटल भी हमारे पास खाली थी वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है तो दो लिगेंड यहां पे चले गए तो एस से आपने लिग... अब आपको इतना पता है वहाँ पे काम नहीं करना है, इतना झाम नहीं करना है, तीन झाम करने की जरूरत नहीं है आप देखते ही समझ जाओगे एस पे पहला लिगेंड पहला इलेक्ट्रॉन पहला लिगेंड गया सॉरी तो आ गया एसपी थ्री डी टू हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई एस पी थ्री डी टू प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन से बेटा मैग्नेटिक मोमेंट अभी निकाल लेंगे स्पिन कौन सा आ गया क्योंकि पहले S पे गया तो हम बोलेंगे ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है इज दिस थिंग क्लियर क्योंकि पहले S पे गया तो हम बोलेंगे ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है क्या बात है भाई अंडर रूट एट टू पॉइंट एट टू अच्छा आंसर भी आने लगे वेरी गुड ओके मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लो मैग्नेटिक मोमेंट होता है हमारा म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एन एन प्लस टू एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्योंकि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे टू टू प्लस टू अंडर रूट में अंडर रूट ऑफ एट आ गया होगा आंसर आप देख लेना अंडर रूट एट बोर मैग्नेटॉन के आसपास आंसर आ रहा होगा बोर्ड में आप अंडर रूट एट को सॉल्व करके लिख देना मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा है डाया मैग्नेटिक या पैरा मैग्नेटिक पेयरिंग तो मैम नहीं हुई थी तो ये पैरामैग्नेटिक है इट इज अ पैरामैग्नेटिक इट शोज पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इज दिस थिंग क्लियर एक और एक और क्वेश्चन करते हैं बोर्ड का एक और क्वेश्चन करते हैं डोंट वरी ओके ऑल राइट करेक्ट ऑलमोस्ट सबने करेक्ट आंसर दिया है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लो प्रीवियस ईयर का एफ ई सी एन सिक्स होल फोर चलो करते हैं ये क्वेश्चन एफ ई सी एन सिक्स होल फोर सारी चीजें आपको वापस से निकालनी है चलो सबसे पहले क्या बोला मैम ने कि आपको इसका सेंट्रल मेटल एटम जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी है तो आयरन मार्कर सो यू विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ आयरन आयरन क्या होता है 26 एटॉमिक नंबर 26 एटॉमिक नंबर आर्गन में गए होंगे इलेक्ट्रॉन्स पहले उसके बाद 3d में जाएंगे उसके बाद 4s में 4s2 और 3d में कितने गए होंगे 20 और 6 6 इलेक्ट्रॉन पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमने कर दी ठीक है अब क्या करेंगे मैम आयरन की मत लिखिए आयरन में कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट आया होगा होगा उसकी लिखिए सोच रहे हो ना ये चीज तो आयरन प्लस टू की लिखते हैं प्लस टू कैसे आया अरे सी एन माइनस वन होता है सिक्स टाइम्स है इक्वल टू ओवरऑल माइनस फोर रखा हुआ है इसको एक्स मान लिया होगा एक्स यहाँ से प्लस टू आ गया अब एफ ई टू प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो क्या होगा मतलब दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने किससे निकाल दूँ एस वाली से फोर एस ज़ीरो हो गया जरूरत पड़ेगी आगे फोर पी है हमारे पास खाली ठीक है चलो करते हैं भाई फिलिंग सी एन इज अ स्ट्रांग फील्ड लिगेंट सी एन इज अ स्ट्रोंग फील्ड लिगेंट अगर कोई स्ट्रांग फील्ड लिगेंट होता है तो वह पेयरिंग करवा देता है अगर कोई स्ट्रांग फील्ड होता है तो वह पेयरिंग करवा देता है ठीक है तो ये यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करेगा पहले डी वाली और बाइटल बना लो आप वन टू थ्री फोर आगे हमारे पास एस खाली है आगे हमारे पास पी भी खाली है अगर लिगेंट को जरूरत पड़ेगी हम दे देंगे सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और बाइट सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हमने

हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई फ्रॉम हेयर हाइब्रिडाइजेशन विल बी इक्वल्स टू हाइब्रिडाइजेशन विल बीक्वल्स टू डी टू एस पी थ्री कैसा कॉम्प्लेक्स है लो स्पिन या हाई स्पिन क्योंकि डी में पहले चला गया इलेक्ट्रॉन तो ये एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है एस में पहले जाता हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाता मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टली जीरो आ जाएगा कैसे पता क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है डाया मैग्नेटिक होगा मैग्नेटिक बिहेवियर इज अ डाया मैग्नेटिक और शेप और जोमेट्री आप बताई ऑक्टाहेड्रल नाउ इज इट क्लियर क्या कैसे पहचानेंगे कहां लिखा है डी मैम एक डाउट है वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड कैसे पहचानेंगे अगर कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस वाले कंपाउंड दिख जाते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गए जैसे कार्बन नाइट्रोजन आ गया साइनाइड में साइनाइड में क्या आ गया कार्बन नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग फील्डेंट है इसी की जगह कभी सल्फाइड आ जाए या फिर आपका कोई हेलोजन आ जाए क्लोरीन ब्रोमीन वाले हेलोजन वाले ग्रुप आ जाए या फिर ऑक्सीजन आ जाए तो वो वीक फील्ड फील्डेंट होते हैं ठीक है बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड आप ऐसे निकालते हो क्लियर है ग्रेट चलो वेरी गुड मूविंग फॉरवर्ड कुछ क्वेश्चन है होमवर्क कर लीजिएगा आप टेट्राहेड्रल का एक एग्जाम्पल समझो जल्दी से टेट्राहेड्रल तो भाई दो टाइप के होते हैं अगर एसपी थ्री आ गया तो बस एक चीज टेट्राहेड्रल में बस एक चीज चेंज होती है वो होता है उसकी ज्योमेट्री अगर एसपी थ्री आ गया तो आप टेट्राहेड्रल बोलते हो और अगर डी एसपी टू आ गया तो उस टाइम पे आप स्क्वायर प्लेनर बोलते हो इसके अलावा कुछ डिफरेंस नहीं है एज इट इज सेम क्वेश्चन रहेगा एक क्वेश्चन मैं कोई भी इसका उठा ले रही हूँ एनआई सी एन फोर टू माइनस सारे के सारे आपके प्रीवियस क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के एनआई सी एन फोर पूरे पे लगा हुआ है टू माइनस चलो भाई कैसे क्या होगा पे सेम कहानी निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिख दो फिर उसके बाद निकल में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो माइनस फोर इक्वल टू माइनस टू प्लस टू आ जाएगा ठीक है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिख दो निकल अटोमिक नंबर ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट ठीक है तो आर्गन लिखा आपने फिर आपने थ्री uh, डी में इलेक्ट्रॉन फोर एस में इलेक्ट्रॉन टू और कितने हो गए ट्वेंटी हो गए ट्वेंटी एट हो गया दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो ऑब्वियसली एस से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा फोर एस जीरो जरूरत पड़ी अगर हमें लिगेंड को अंदर भेजने की जरूरत पड़ी तो हमारे पास फोर पी भी खाली है हमें दिक्कत नहीं है ठीक है अब डी और बाइटल को ड्रॉ करो वन टू थ्री फोर इलेक्ट्रॉन भेज दो कितने भेजने हैं मैम एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड अब खुद से बता दो क्या बात है भाई आंसर्स भी आ गए तुम के इट इज अ फील्ड लेकिन कार्बन नाइट्रोजन वाला ग्रुप दिख गया पेयरिंग करवा देगा तो दूसरी बार डी और बाइटल हम बनाएंगे अब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब करेंगे हम लिगेंड को अंदर भेज देंगे चार बार साइनाइट को अंदर भेजना है एक बार यहाँ दूसरी बार यहाँ फिर हमारे पास एस और बाइटल खाली है फिर हमारे पास तीन पी भी खाली है बट तीन पी में मत भेज देना हमें चार लिगेंड भेजने हैं दो यहां भेज दिए एक यहां भेज दिया एक जरूरत पड़ी यहां भेज दिया मतलब पहला हमने मैम डी पे भेजा है दो फिर एक लिगेंट हमने एस पे भेजा है एक हमने पी पे भेजा है इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिडाइजेशन ये आ गई हमारी हाइब्रिडाइजेशन ठीक है वेरी गुड क्या बात है वेरी गुड हाइब्रिडाइजेशन आ गई हमारी फिर हम पूछेंगे आपसे लो स्पिन है या हाई स्पिन आप बोलो हम डी में पहला जा रहा है ना लो स्पिन फिर मैं बोलूंगी बेटा मैग्नेटिक मोमेंट आप बोलोगे अरे मैम जीरो आ जाएगा पेयरिंग नहीं हुई मतलब पेयरिंग तो हो गई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं फिर मैं बोलूंगी डाया मैग्नेटिक या पैरा आप बोलोगे मैम डाया मैग्नेटिक सो so, इस तरीके से करते हो आप वी बी के क्वेश्चन इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीबडी वेरी गुड करेक्ट करेक्ट क्लियर है करेक्ट करेक्ट एक और रहेगा तो क्या कौन सा वाला बेटा क्या एक और रहेगा एक और इलेक्ट्रॉन नहीं, और और नहीं, नहीं आएगा आपके में डोंट वरी ऑल राइट लास्ट टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जल्दी जल्दी से समझ लो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जैसे वीबीटी आया वैसे ही क्रिस्टल फील्ड सी एक ज्यादा अच्छी थ्योरी होती है क्योंकि इस थ्योरी में क्या टाइम हो गया अरे रे क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक ज्यादा अच्छी थ्योरी मानी जाती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये कलर्ड आय के बारे में भी बता देता है जितनी बातें वीबीटी ने बताई हैं उसके साथ साथ ये कलर भी बताता है आयन का तो इनको आप बोलते हो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को प्रपोज किया गया था डिस्क्राइब किया गया था जिसमें मेटल लिगेंड के बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड की तरह बताया गया था प्योरली फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रेक्शन के बारे में यहां पे ये यह चीज थी इतना डिटेल में आपको नहीं जानना है जो बता रहे हैं बस उसको सुन लेना ध्यान से

एक्स स्क्वायर इसको आप बोलते हो डी डी एक्स यहां से डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ठीक है ये इनके नाम होते हैं अब अगर आप इनको ड्रॉ करो एक्चुअली में हो क्या रहा होता है लिगेंड अप्रोच कर रहा होता है सेंट्रल मेटल आइटम के पास लिगेंड के पास क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल आइटम के पास क्या बैठा होगा इलेक्ट्रॉन तो यहां पे रिपल्शन होने की वजह से ड्यू टू रिपल्शन यहां पे स्प्लिटिंग हो जाती है इस डी और बाइटल की स्प्लिटिंग हो जाती है डी और बाइटल की और जब ये स्प्लिटिंग होती है तो उसी टाइम पे आप बोलते हो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कुछ ऊपर जाएंगे और कुछ नीचे आ जाएगी कब होती है स्प्लिटिंग आप समझ लो बहुत ध्यान से जो वन टू थ्री है यानी कि डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स ये तीनों के जो लोब्स होते हैं ये बिटवीन द एक्सेज होते हैं बिटवीन द एक्सेस अब इसका क्या मतलब है मैम देखो वेरी सिंपल अगर बिटवीन द एक्सेस लोब्स है देखो जब लिगेंड आता है तो वो कैसे अप्रोच कर रहा है उसके बेसिस पे आप बताते हो कि आप रटने को रट भी सकते हो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दे रही हूं रटना चाहो सिंपल है बहुत सिंपल है टी टू जी नीचे रहेगा ई जी ऊपर रहेगा एक बार ई जी ऊपर रहेगा टी टू जी नीचे रहेगा बहुत ईजी है रटने को आप रट लेना बट आप मीनिंग समझ सकते हो जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ऑर्बिटल्स दी हुई यानी कि डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स इनके जो लोब्स होते हैं ये अलॉन्ग द एक्सेस ना होके बिटवीन द एक्सेस होते हैं मतलब ये एक्सेस है? इसके बीच में लोब्स बनेंगे लोब्स मतलब भाई ऑर्बिटल, ठीक है डी जेड एक्स में भी सेम होगा डी वाई एक्स जेड में भी सेम होगा डिफरेंट होते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर मतलब इन दोनों में इन दोनों में इन दोनों के जो लोब्स होते हैं वो होते हैं बिटवीन द एक्सेस मतलब एक्सेस के बीच में इनके लोब्स बने होते हैं सम वॉट लाइक दिस सम वॉट लाइक दिस देखो लोब्स के बीच में अब इससे मैम क्या फर्क पड़ता है लोब्स कहा है हमसे क्या मतलब वेरी सिंपल जो लिगेंड होता है जब ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स होता है तो जो लिगेंड अप्रोच करता है लिगेंड अप्रोच करता है एक्सेस uh, में बिटवीन द एक्सेस वाले में तो जब एक्सेस वाले में आएगा तो जो एक्सेस जिसमें लोब्स बिटवीन द एक्सेस प्रेजेंट है उसमें रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा वो लिगेंड है

डी ऑर बाइटल वॉट इज डी जेनरेटेड मीनस डी जेनरेटेड मतलब सेम एनर्जी लेवल एनर्जी लेवल सबका सेम है यह बन जाती है कुछ इस तरीके से एवरेज डी ऑर बाइटल एवरेज डी और बाइटल एवरेज डी और क्या होता है लिगेड जैसे ही आता है तो इसकी एनर्जी लेवल डिफरेंट होती जाती है अब सब अलग अलग, अलग, अलग एनर्जी लेवल के हो गए फिर क्या होता है मैम फिर उसके बाद ये जो ऑर्बिटल है ये स्प्लिट कर जाती है ये स्प्लिट कर जाती है एज एज टी टू जी सेट एंड ई जी सेट इसमें दो ऑर्बिटल ऊपर जाएंगे और इसमें तीन ऑर्बिटल नीचे रह जाएंगे इनके बीच की जो डिफरेंस है उसको आप बोलते हो डेल्टा ओ, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सी एफ एस क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी दोनों चीजें आप बोल सकते हो ठीक है चलो इन दोनों की वैल्यू समझो कैसे निकालते हो वेरी सिंपल जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है उसके कितनी यहाँ पे तीन बॉक्स बने हुए हैं तो यहाँ पे जो तीन बॉक्स है ऊपर वाले को न्यूमिनेटर रख दो और ओवरऑल बॉक्स को डिनोमिनेटर में रख दो मतलब मैम अरे डी और बाइटल में पाँच और डी और बाइटल में पाँच बॉक्स हैं तो फाइव को हर बार आपको डिनोमिनेटर रखना है ये आप क्या निकाल रही है मैम ये टू बाय फाइव ये सब है क्या ये होता है डेल्टा ओ में स्टेबलाइजिंग एनर्जी कितनी कितनी है यहाँ पर है टू बाय माइनस का और यहाँ पर होता है थ्री बाय

चलो ऑल राइट right, तो ये हो गया हमारा डी जनरेटेड एनर्जी है अब ये क्या होता है है, है, भाई? 0.4, 0.4 0.6, 0.6 पे भी कहानी और का मतलब है, आप जब डेल्टा ओ निकालोगे तो आप इसका यूज करोगे अब बहुत लोग कंफ्यूज हो गए डायरेक्टली एक क्वेश्चन के इस चीज को खत्म कर दूंगी समझो अच्छा एक चीज और यहीं पे सिमिलर अगर आप ये हमने ऑक्टा के लिए पढ़ा है फॉर ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस अगर यही में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए देखूं तो कुछ भी नहीं होगा सिमिलर कहानी होगी सब कुछ सेम बस केवल और केवल जो डिफरेंस आएगा वो ये आएगा यहां पे इसको आप बोलते हो ई e, और इसको आप बोलते हो T2 मतलब यहां पे आप ई और टी ना बोल के ई e और T2 बोलोगे केवल और केवल और ऑपोजिट कर दोगे चीजों को ऑपोजिट कर दोगे ऑपोजिट कर दोगे मतलब मतलब जैसे वहां पे ई जी ऊपर लिखा था तो यहां पे ऊपर लिख दोगे आप दैट्स इट दैट विल बी द ओनली डिफरेंस ठीक है करेक्ट चलो सो so, यहां पे आप लिखोगे यहां पे टी लिख दोगे और T2 और यहां यहां पे पे e लिख दोगे दैट्स इट दैट विल बी द ओनली डिफरेंस इन दीज टू बाकी सब कुछ विल रिमेन सेम डायरेक्ट क्वेश्चन से समझ लो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए कोई नहीं लास्ट है समझो मूविंग फॉरवर्ड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस वेरी सिंपल अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है अगर कॉम्प्लेक्सेस है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां पे जा रहा है बस आपको इतना देखना है मैम फोर्थ इलेक्ट्रॉन मतलब जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे ना बेटा तो यहां पे आप इलेक्ट्रॉन जब डालोगे अंदर इसमें तो फोर इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे इलेक्ट्रॉन वन टू थ्री अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन या तो यहां जाएगा और या तो यहां जाएगा बस ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है वही आपको देखना है उसी से आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिग्यूशन लिख दोगे अगर ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन इसी में चला जाता तो आप बोलते हैं मैम टी में ना चार इलेक्ट्रॉन गए ठीक और अगर इसमें नहीं जाता तो आप बोलते हैं है, मैम टी टू जी में तीन इलेक्ट्रॉन गए और ई जी में एक इलेक्ट्रॉन गए बस इतना सा काम है यहाँ पे ठीक है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है अब मैम कैसे पता चलेगा हमें कहां जाएगा सेम कहानी कर लेना स्ट्रॉग फील्ड डिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रॉंग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करवाते जाना ठीक है और वीक फील्ड लेगेंड है तो पेयरिंग मत कराना क्लियर तो बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग आप जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे आपको ये चार्ट मिल जाएगा इसमें हर एक चीज नोटेड है कि कहां पे क्या हो रहा है किस क्वेश्चन में क्या मतलब है वीक फील्ड लिगेट देखो पेयरिंग नहीं हुई इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगे में पेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन नीचे ही रह गया इसी के बेसिस पे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिख दी दोनों की क्लियर है कई बार सीएफएसी निकालने को आ जाता है सीएफएसी कैसे निकालते हो कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो पॉइंट फोर या पॉइंट सिक्स जो भी वैल्यू है ठीक है सपोज मैं इसमें आपको सीएफ एसी निकाल देती हूं सपोज आपसे डेल्टा ओ पूछ ले इस क्वेश्चन में तो आप बोलोगे टी टू जी में दो इलेक्ट्रॉन गए मतलब में इलेक्ट्रॉन गए मतलब डेल्टा तो तो मतलब ओ जब आप निकालते हो ना ऑक्टाहेड्रल वाला चेंज जो आया है तो कुछ नहीं करना है आपको जो भी एनर्जी लेवल है उसको मल्टीप्लाई कर दो तो, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि अगर कभी भी कलर पूछा जाए तो याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री कलर बनता है विप ग्योर आपने पढ़ा है ना उसमें आई हटा दीजिए वी बी ग्योर याद कर लो अगर वॉयलेट कलर की लाइट किसी ने एब्जॉर्ब करी है तो वो येलो कलर की लाइट को एमिट करता है अगर किसी ने ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब कर ली तो वो रेड लाइट एमिट करेगा अगर किसी ने ऑरेंज लाइट एब्जॉर्ब कर ली तो वो ब्लू लाइट एमिट करता है मतलब एक ऐसा सर्कल बना लेना अगर इन केस क्वेश्चन आ जाता है कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड ने ये लाइट एब्जॉर्ब करी है कौन सी लाइट एमिट करेगा तो जस्ट ऑपोजिट लाइट को वो एब्जॉर्ब कर रहा होगा ठीक है चलो सो so, हमने बेसिकली पूरा चैप्टर कर लिया है कंप्लीट ठीक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बचा था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी हो गया सो वर्नर्स थ्योरी नॉमन क्लेचर आइसोमेरिजम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वर द फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा इफ यू हैव एनी डाउट एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स अलॉन्ग विद डैट अब आपको क्या करना है गेस्ट पेपर को सॉल्व कर लेना जाके घर पे हाफ एन आवर का ब्रेक ले लो गेस्ट पेपर को सॉल्व कर लो सल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे उसी में तो उसके बाद आप उसके सल्यूशंस को देख लो ठीक है अलॉन्ग विद डैट मिलते हैं अगली क्लास में जो कि होगी सिक्स या सिक्स फिफ्टीन के आसपास मान लो अराउंड सिक्स या सिक्स फिफ्टीन के आसपास अपडेट हो जाएगा आपके लिए ठीक है छह या सवा छ तक मिल जाएंगे ठीक है सिक्स फिफ्टीन तक आपको मतलब आ जाना है ठीक है क्या चीज हाँ ठीक है ठीक है ठीक है तो ये सिक्स फिफ्टीन पर आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अलॉन्ग विद अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो फ्री स्टडी मटेरियल माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन पे क्लास ट्वेल्व आईएससी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर के नाम से फोल्डर होगा देख लीजिएगा आप फ्री ऑफ कॉस्ट है कोई उसके लिए आपको पैसे नहीं देने हैं तो जो भी चैप्टर की पीडीएफ आपको चाहिए होगी यू विल बी गेटिंग इट देयर ओनली ठीक है चलो भाई सी ऑल इन द नेक्स्ट क्लास थक गए बहुत ज्यादा मिलते हैं छह बजे बाय बाय टेक केयर एंड कीप स्टडी एवरीवन बाय